आज के मॉडर्न वक्त में माँ बाप और बच्चों का एक ही वक्त पर जागना और सोना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड नाइट माँ। ये अलग अलग शहर में नहीं, अलग अलग देश में है। अगरबत्ती की जगह सिगरेट्स और पानी की बॉटल की जगह बियर की बॉटल्स। आज के बच्चे जो खुद को आजाद रखने के लिए कुछ भी करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से ऐसे दूरी रखते हैं जैसे दिन से रात। अगर पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो बच्चे फ्रीडम के लिए विदेश भाग जाते हैं, पर अगर पेरेंट्स ही विदेश में हों तो। ये लीजिए कॉफी। मम्मा, आई एम मिसिंग नानी माँ। मुझे नानी माँ के पास जाना है। नानी तो पिछले साल ही गुजर गई बेटा। मेरा मतलब दादी माँ। बेटा, मेरी माँ तो तभी मर गई थी जब मैं लंगोट में था। मुझे नहीं पता, क्या हमारा इंडिया में कोई रिलेटिव नहीं है? इंडिया में अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं बचा है सिवाय एक के, वो है हमारी भारत माता। ओह, आई लव भारत माता, आई लव इंडिया, आई वांट टू लिव इन इंडिया। बस इस देशभक्ति ने माँ बाप के दिल को छू लिया। इसके दो रीजंस थे, पहला ये कि इन्हें ये सच लगा और दूसरा ये कि इन्हें सच नहीं पता। देश से बहुत प्यार है, बट मोर देन दैट आई लव माई इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे ये देख, अच्छी लगेगी। जो लोग खुद से इतना प्यार करते हैं कि अपनी माँ की भी नहीं सुनते, वो अपने दोस्तों की क्या सुनेंगे। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना गुनाह है क्या? वैसे तो कार्तिक हर मिनट नई कहानी बनाता है, पर प्रैक्टिकल बातों में इससे कोई नहीं जीत पाता। कार्तिक, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हे, इसे क्या हो गया? कार इसे कहते हैं। मैं भी तो ऐसी कार लाया था। क्या आप येलो कलर लाए थे? ओ, तो कलर में क्या रखा है? तो फिर कलर करके आप अपनी सफेदी को छुपा रहे हैं। इसके साथ ही पापा को पता चल गया कि बेवकूफ कौन है। वो समझ गए कि वो कार्तिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब वो बड़ा हुआ तो उन्होंने उसे इंडिया भेज दिया। कार्तिक को अपनी फ्रीडम बिना लड़े ही मिल गई। ओए, अब हमारे ग्रुप में सिर्फ तू ही कुंवारा बचा है। देखना, अब तो पांडू की भी शहनाई बज गई यार। अबे कम से कम आज तो यहाँ कोई लड़की पसंद कर ले। छोड़ यार। क्या मैं तेरे लिए कोई अच्छी लड़की पसंद करूं? तू पीना यार। आशिक बनने से लेकर फूल देने तक लोगों को अपनी फिल्म खुद बनानी चाहिए। मैं अपना टेस्ट अच्छे से जानता हूँ। अगर लड़की सैकड़ों के बीच में भी हंसे ना, तो दिल धड़कना चाहिए। सही। अरे उसकी आंखों में भी एक स्पार्क होना चाहिए। और सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है, शी शुड बी इंटेलिजेंट ऑल्सो। इंटेलिजेंट? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? She is my friend. Congratulations. कार्तिक यार, वो लड़की अपने किसी फ्रेंड के साथ शादी में आई थी और वो दुल्हन की दोस्त की दोस्त है। दोस्त की दोस्त? ए, है? इसे देख। ओफो, तुमने देर कर दी, बहुत मस्त है, पर अब मैं इसका नौकर बन गया। चुप है। जो पदु, तुम इसे जानती हो?
हाँ ये तो स्वाति के साथ आई थी, पूछ के बताऊंगी। देख कुछ भी करके मुझे इसका नंबर, मैं देख लूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसे ढूंढ के तेरी गोद में डाल दूंगा खेलने के लिए। गोद में डालने के लिए नहीं चाहिए, ना ही उसके साथ खेलना है, तू बस फोन नंबर निकाल। आई जस्ट नीड हर फोन नंबर। तो उसे पटा लेगा? हाँ बिल्कुल। खाना खा के जाना है? जरूर। कोई गिफ्ट नहीं लाया? ऐसी गंदी आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है, गिफ्ट मांगते हुए शर्म नहीं। थैंक यू, मैंने बस गिफ्ट के लिए तो शादी की है। हाय कार्तिक। हाय राम। ओए चल कैंटीन चलते हैं। तो तुझे अपने दोस्त की शादी में एक लड़की मिल गई? हाँ, तो पहली नजर का प्यार? हाँ अभी प्यार नहीं हुआ यार, बस इंटरेस्ट है। कहाँ है कार्तिक, ये अपना सर क्यों खुजा रहा है? अबे ये पीना अच्छी आदत नहीं है। ए रुक रुक रुक, वेस्ट क्यों कर रहा है यार? कार्तिक कभी कुछ वेस्ट नहीं होने देता। अरे यार कार्तिक तुझे याद कर रहा था और तू ही आ गया। अरे कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता। तेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर और तेरी ढीली बॉडी देखकर मैं समझ गया कि ये लव मैटर। मम्मी कसम यार तुझे कैसे पता? ये जानने के लिए कि समंदर का पानी खारा है, मछलियों को गूगल नहीं करना पड़ता। अरे क्या बोला है कार्तिक, लिख ले। अच्छा तुझे कभी लव हुआ है? बस होने ही वाला है। अच्छा भाभी दिखने में कैसी है? खूबसूरत है क्या? बहुत ज्यादा। खूबसूरती का डेफिनेशन है वो। मतलब तूने उसे घूर घूर के देखा है, उसका नाम क्या है? पता नहीं। अच्छा रहती कहाँ है? नहीं पता। यार तू तो तेरी सेटिंग कर लेगा, मेरा भी कुछ कर देना यार। ओहो एचआर सर, आप मेरी मदद कभी करते हैं क्या? अपनी ऑफिस में नौकरी देने को कहा तो कभी नहीं देता। बस कर यार, बिना वजह शक कर रहा है, कंपनी में 8 घंटे की नौकरी निकलेगी तो बताऊंगा। ठीक है रात को घर आ जा, 2 बॉटल पियेंगे, लड़की पटाएंगे। मधु। हाँ भोगना। ये प्यार जो है ना स्नूकर गेम की तरह है, लड़का स्टिक है, लड़की बॉल है। ओ। और प्यार होल। यस। हर आदमी कोशिश करता है कि वो स्टिक से बॉल को होल में डाल दे, पर ये इजी है क्या? अरे नहीं यार ये तो एक कला है, कला। मालूम है क्या, मुझे मेरी पुरानी दोस्त से ही प्यार हो गया है, फिर भी उससे कैसे बात शुरू करूं मेरी समझ में ही नहीं आता है। और तू पता नहीं कैसे एक अनजान लड़की के प्यार में पड़ गया, वो भी सिर्फ उसका नंबर लेने के लिए। क्या कॉन्फिडेंस है यार तेरा। मैं तुझे फ्रैंकली बताता हूँ, कॉन्फिडेंस गया भाड़ में, सिचुएशन है। अच्छा वो हमसे आके आई लव यू कहे, इसके लिए हम कोई क्रिकेट स्टार है या फिल्म स्टार है? कुछ भी नहीं। पहले तो उनका अटेंशन कैच करो। अच्छा। उसके बाद उन्हें अट्रैक्ट करो और उसके बाद उन्हें इम्प्रेस कर दो, फिर प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे क्रिएट करना चाहिए। यार ये ट्रिक मुझे भी सिखा देना कार्तिक प्लीज। तुझे क्या जरूरत है, तेरी दोस्ती तेरा प्यार है। हाँ वो तो है। अगर वो दोस्त है तो फिर सीधा उससे बात करके खत्म कर। अच्छा ये ट्रिक के फंडे तो मुझ जैसे लड़कों के लिए। बन गया मजनू है? या मुझे भी दिखाना। अच्छा और तू उसके प्यार में पड़ गया? जा बे। जब तक वो मुझे नहीं मिलती मेरी नहीं हो जाती तब तक यही मेरी आंखों के सामने रहेगी। हेलो बेबी मैं ऑफिस में हूँ, बोलो क्या बात है? तो फिर ये म्यूजिक कैसा? वो एक नया बार खुला है ऑफिस के पास में, शायद दरवाजा बंद नहीं किया है, आवाज वहीं से आ रही है। ओके ओके पर मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। क्या बोला? हमारी शादी को तो 1 ही महीना हुआ है, प्रेग्नेंट भी हो गई। 1 महीने में कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ स्टूपिड? तो खबर क्या है? कार्तिक के गर्लफ्रेंड का नंबर मिल गया। ओह जरा होल्ड करना है, सुन एक पेन देना तो। हाँ बोलो। 9126 9126 1234 56 1234 56। ओहो बड़ा फैंसी नंबर है। घर जल्दी आओ ना। हाँ जैसे ये बार बंद हो जाते मतलब ऑफिस। बताओ मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया? ए, एक तो रात को फोन किया, मैं तेरा खून कर दूंगा, सीधे पॉइंट पे आ चल। ओके 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 कूल कूल कूल। हे तेरे लवर का फोन नंबर मिल गया है। हा? मिल गया, चल बता। हाँ 9 9 1 2 6 1 2 6। जल्दी बता यार। 1 2 6 नोट कर लिया? तूने नोटिस नहीं किया, ये फैंसी नंबर है। 9 1 2 6 के बाद 1 2 6 9 1 2 6 के बाद 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1
8826। सही से लिख लिया ना, कोई कंफ्यूजन? 126 126। ओके, तुमने देखा फैंसी नंबर को कितना फैंसी स्टाइल में बताया? क्रिएटिविटी। नंबर पहले से फैंसी है, तेरी क्रिएटिविटी क्या है? फोन रख, बेवड़ा कहीं का। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ए संत फरामोश। टाइम 12:47। अभी तो सो रही होगी, ठीक है, आराम से सो जा, कल से तुम्हारी नींद गायब कर दूंगा, ठीक है? आओ सो जा। फोन क्यों नहीं उठा रही है? ठीक है, लेट्स वेट। श्रावणी देखा तूने? हमसे ज्यादा फेसबुक जरूरी है। ले फेसबुक वो यूज कर रही है, इरिटेट टू हो रही है, क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है ना। अगर फ्रेंड है तो मदद कर, गलत रास्तों पर जाने वालों की हेल्प नहीं करते। और प्यार करना गलत कैसे हुआ? प्यार करना गलत नहीं, प्यार करने का तरीका गलत है। और तू उस चंपू से कैसे प्यार कर सकती है? सब कुछ परफेक्ट मिले ये जरूरी तो नहीं। अब शादी से पहले सब कुछ टेस्ट करवा लूं, ऐसा पॉसिबल थोड़े होता है यार। इंटरनेट पे दोस्ती होती है, फिर 2 हफ्तों तक चैटिंग, उसके बाद 2 मुलाकातें, फिर लगता है प्यार हो गया। तेरे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया और तेरा बॉयफ्रेंड तो बचपन से तेरा बॉयफ्रेंड है, उसने कौन सा तीर मार लिया? सही कहा, आजकल रिलेशनशिप कहाँ टिकते हैं, 1-2 हफ्ते में ही प्यार की दुकान उड़ जाती है। ए, प्यार को तराजू में रख कर तौल नहीं सकते। प्लानिंग बिजनेस के लिए जरूरी होती है, रिलेशनशिप के लिए नहीं। प्यार तो कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ कैसे भी हो सकता है। ले पकड़। अच्छा, क्या मैं गलत दसूं? हाँ बताओ। आई विश फॉर अ परफेक्ट गाय। अच्छा, जो मेरे लिए 100 मंजिल से भी छलांग लगा दे। वो इतना प्यार करे कि मानो मुझ में 100 बोतल का नशा चढ़ जाए। सभी ऐसा ही चाहती हैं, इसमें तेरी फैंटेसी क्या है? मैं चाहती हूँ कि मेरा मुंडा मुझे ऐसे प्यार करे जैसी मैं हूँ, ना तो खुद बदले ना मुझे बदले, ना बैकग्राउंड ना स्टेटस ना मेरा नाम, कुछ ना पता हो। बिना कुछ जाने क्यों प्यार करेगा तुझसे? मेरा दिल देख के कर लेगा। ओहो, 4G के जमाने में 2G वाली बातें मत कर यार, आजकल बिना शक्ल देखे प्यार करना इम्पॉसिबल है। पर मुझे तो ऐसे ही प्यार करना है। ए, तेरा फोन कार में था। हेलो, ये इतने पड़ा था, इसमें एक मिस कॉल भी है। जरूर पप्पा होंगे। नो, अननोन नंबर। अननोन नंबर? गुजराती में बात करती हूँ उससे। भैया, हेलो। हेलो कौन छे? हेलो कौन छे? तुम कौन हो? तुम कौन हो? यही मैंने पूछा, मैं कौन हूँ? Is this some kind of a joke? Joke? तुम्हें हंसी आ रही है? या फिर मैं हंस रहा हूँ? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन हूँ मैं? कदेड़ा, फोन कट कर। हाँ कट कर दो, वैसे भी लाइन कटी हुई है। मैं मिलने के लिए तैयार था, सोचा तुम मुझे पहचान लोगी। लेकिन कट करो, कर दो कट। क्या हुआ? तमी कौन छी बॉस? बॉस नहीं हूँ, क्लास हूँ। अपना क्लासरूम याद करो और मुझे पहचान लो। ए, मेरे ख्याल से तेरा कोई क्लासमेट होगा। तुम अपना नाम बताओगे या नहीं? मैं नहीं बताऊंगा, बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर निकाला है, खुद पता करो। क्या तुम क्रांति हो? ओ, वो क्रांति याद है तुम्हें? हाँ। अगर तुम्हें वो गधा याद हो सकता है तो तुम मुझे भूल ही नहीं सकती। मैंने सही कहा था, जब मैंने कहा कि तुम मुझे पहचान लोगी तो माँ को यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हारी माँ कौन छे? मेरी डैडी की वाइफ है। गेस करो ना यार। क्या तुम वेणु हो? वेणु वो नाकारा कामचोर घटिया आदमी याद है तुम्हें? तुम हर इंसान का नाम ले रही हो पर मेरा नहीं। चार्ल्स है, हो ही नहीं सकता। करेक्ट, तुम चार्ल्स हो ना? हो ही नहीं सकता कहा ना, वो करेक्ट है। ये सुधीर लगता है, इसकी आवाज भी वैसी है। हेलो। हम्म, तुम सुधीर हो क्या?
सब समझ गया, वही शरारतें, वही परेशान करने की आदत, तुम बिल्कुल नहीं बदली। शुरुआत करी छे, सब कुछ जानती हो फिर भी भोली बनने की एक्टिंग कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। अच्छा ठीक है, थोड़ा हिंट तो दो। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं कॉल कट कर रहा हूँ, कल फिर से कॉल करूंगा। अगर पहचाना तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, दोस्तों के बिना भी जी सकता हूँ। बाय। यस। तो इसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? क्यों करूं, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पता। वैसे ये है कौन, चल पता करते। कार्तिक, रात भर तेरा आइडिया दिमाग में घूमता रहा, अब तो सोचा हूँ सीधे जाके बस प्रपोज कर डालूंगा। लेकिन वो तो तेरी फ्रेंड है ना, फ्रेंड को गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊं? करना क्या है, नॉर्मली जाके मिल ले उससे, कॉफी पिलाने ले जाऊं? सुपर। या फिर लंच के लिए? कूल। अरे लंच कॉफी क्या पूछू, बताना। एक काम कर, कॉफी पे बुला और लंच खिला दे तेरी। अरे मेरा भाई पहली बार है, टेंशन हो रही है, समझना यार प्लीज। टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ ना यार। अरे पर तू यहाँ पर है, वहाँ पर थोड़ी रहूंगा, वहाँ तुम्हारे बीच क्या करूंगा। प्लीज 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 मेरा भाई आ जाना वहाँ पे, प्लीज तेरी मदद की बहुत जरूरत है, आ जाना यार। हाँ छोड़, मैं आता हूँ। जा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तू मेरा सच्चा दोस्त है, मैं तुझे कॉल करूंगा। पक्का पक्का पक्का, बाय। वा, 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 नजर ना लगे। हे, दिमाग खराब है क्या? थैंक यू। हाय मधु। हाय श्रुति, एक ही ऑफिस में हो फिर भी कभी मिलती नहीं हो। नो नो नथिंग लाइक दैट, बुटीक में नया स्टॉक आया है ना, इसीलिए बिजी। ओह अच्छा, क्या कि मैं पूछ रहा था कि कल फ्री हो कॉफी या लंच के लिए? श्योर कॉफी। थैंक्स श्रुति, थैंक यू, बाय। कार्तिक तेरा आइडिया काम कर गया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमारे सारे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, जिनसे हम टच में नहीं है उन्हें भी कॉल करते हैं। मैंने यकीन है मुंडा जरूर मिलेगा। सुपर। ओके चलो कॉल करते हैं। हेलो अनिल। हेलो। हाय राजेश, कैसे हो तुम? हाय अर्जुन, कैसे हो तुम? कॉल ने तो हमें टाइम मशीन की तरह पास्ट में पहुंचा दिया। बेचारों को लग रहा होगा कि हमने उनकी याद में कॉल किया। जो भी हो, कितनी पुरानी यादें ताजा हो गईं उस अजनबी की कॉल से। वो कौन है हमें अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। मैंने तो लगता है कि वो हमारा क्लासमेट ही नहीं है। मतलब हमारे साथ वो गुलाटियां मार रहा है। जो भी है उसे फौरन कॉल कर। ना उसे कॉल करने दे, लेट्स वेट। कार्तिक नजदीक नजदीक बैठ। क्या कहा, तेरे नजदीक बैठू? हाँ। तेरी गंदी शक्ल देखने मैं यहाँ आया हूँ क्या? ब्लूटूथ पे इंस्ट्रक्शन दूंगा फॉलो कर। अरे मैं वहाँ बैठा हूँ। कार्तिक प्लीज बैठ, बैठ बोला ना। वो आ गई आ गई आ गई है वो। अच्छा तो ये है वो लड़की। अब क्या करूं बोलना। अबे हाय करना, ये भी बताऊं क्या? अच्छा सही किया था मैंने। क्या अवार्ड विनिंग हाय किया यार, इतना अच्छा हाय कैसे कर लेता है तू? थैंक यू भाई। हाथू हाय। तुमने कॉफी के लिए पूछा मधु, एनीथिंग स्पेशल? वो यहाँ की कॉफी बड़ी अच्छी होती है। उसे बोल काफी दिनों से मिले नहीं है यार। काफी दिनों से मिले भी नहीं थे ना। प्लीज सिट ना, बैठो बैठो। हाउ नाइस ऑफ यू। उसको बोल ड्रेस बहुत अच्छी है। उसकी ड्रेस कितनी अच्छी है ना। या एक लड़की के सामने दूसरी की तारीफ नहीं करते, क्राइम होता है यार। I'm sorry, मतलब उसकी ड्रेस नहीं, वो बिना ड्रेस के अच्छी लगेगी। I mean, वो उसकी ड्रेस सब कुछ गंदा ही है। तो फिर बताओ अच्छा क्या है? कुछ भी नहीं, in fact I hate girls. Hi cutie. Hi. I also hate girls. अच्छा? छी छी। Sorry. मैं उस टाइप का नहीं हूँ समझा। हाँ हाँ।
पर मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। तुम्हारे जैसे डार्क चॉकलेट की तलाश थी, आई मीन तुम्हारे जैसा मर्द। इस कैफे में तो तुम ही एक हंक हो, बाकी तो सारे के सारे छोकरे जंक हैं। मेरी जवानी हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है, इसे कस के पकड़ लो ना, आई मीन मेरा हाथ। यार कुछ करना तू। ओके। इतने लोगों के सामने हम दोनों हॉट है ना, पर ये लोग इस गर्मी को कैसे समझेंगे, तो इसलिए वॉशरूम चले, वहां मैं तुम्हें पूरे मजे दूंगा। चलना आजा मेरे राजा, चलना। मेरी ड्रेस तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये लड़की टेबल क्यों बैंग बैंग कर रही है? हट 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 यहां से। अरे क्या टच करते हो राजा, इडियट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? I hate ladies touch. Hey you. ये अंदर कैसे जाऊं? कहां गया? तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। यार मधु, इस पीस को तो तू ही पसंद है, मेरा जलवा काम नहीं कर रहा, अब तू संभाल ले। प्लीज लीव मी, माय लॉलीपॉप, आई एम कमिंग। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा। क्या यहाँ बहुत स्लो सर्विस है, कब से कॉफी मंगाई है पर कोई लेकर ही नहीं आ रहा, चलो ना कहीं और चलते हैं। राजा तुम अपनी गर्म हवा छोड़कर चले गए। ए, मधु, चला गया क्या? ठीक है ना? ओके। ए, अफ्रीका के जंगल। ए, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, आओ ना करें जंगल का मंगल। वही है। हेलो, तुम मेरे क्लासमेट नहीं हो ना? अरे अभी भी शक कर रही हो, मुझे लगा कल पता लगा लिया होगा। कैसे पता लगाते, तुमने मुझे कोई बड़ी जासूस समझ रखा है क्या? अगर मेरा नाम गेस करने के बजाय तुम मुझसे अपना नाम पूछ लेती तो मुझे पकड़ लेती। तुम्हारो नाम पढ़ नहीं जानता। तुम्हें जानता नहीं हूँ ना, इसीलिए। तो मुझे जानते भी नहीं हो? नो। तो मुझे कॉल क्यों किया? तुम्हें जानने के लिए। अब तो हादी हो गई, किसका आइडिया ये? हेलो, तुमसे नहीं कहा, वैसे तुम्हें कॉल करने किसने कहा था? किसी ने नहीं। सु बात करे छे, बिना तुम लोगों की हेल्प के ये कॉल नहीं कर सकता, चलो बताओ। मुझे लगता है ये कॉल तुमने खुद ही करवाया होगा। एक गांडी छे क्या? इसका प्लान देखा, खुद ही कॉल करवा के खुद ही मजे ले रही है, क्या बात है। हम सब मान गए तुझे, जरा सोचो ना, जैसा इसने कहा था ऐसा बॉयफ्रेंड इसे कहाँ मिलेगा? बॉयफ्रेंड? और उसको कुछ ना पता हो, ना नाम ना पता और ना ही इसका बैकग्राउंड, जो बस इसका दिल देख के इसे प्यार करे। ओ तेरी, तो ये सब अभी क्यों बोल रही है? इल्जाम लगा रही थी इसलिए। मैं ये सब काम खुद क्यों करना चाहूंगी? मतलब कॉल करने वाला सच में अजनबी है? हेलो, यस, तुम्हें सचमुच मेरा नाम नहीं पता है क्या? मैंने सारी बातें सुन ली, ट्रस्ट मी, उस दिन हमने सचमुच पहली बार बात की थी। अगर मैं कॉल करूं और तुमसे कहूं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तो बात करोगी? बहुत चालू है। इसीलिए मैंने ये गेम खेला ताकि तुम अपने दोस्तों में मुझे ढूंढो और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कॉल करूं। ये बस एक ट्रिक थी तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। अब मैं अपना बायोडाटा बताता हूं। मेरा नाम है कार्तिक, ईसीएस सॉफ्टवेयर में एक एनालिस्ट हूं। और मैं वेट अ मिनट, जस्ट वेट, इसे अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मत देना। क्यों? अरे यार तेरे साथ तो सच में मिरेकल हो गया, ये तेरे टाइप का ही लड़का है। एग्जैक्टली। कार्तिक जी, आपकी शादी हो गई? बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या सच में तुम हमारे फ्रेंड के बारे में कुछ नहीं जानते? तुम कभी इससे नहीं मिले? क्या सच में इसे नहीं देखा? बताओ ना प्लीज। नहीं जानता। तू ज्यादा बात मत कर, नहीं तो तुझे ही प्यार हो जाएगा। ला फोन दे। हे मिस्टर, हम कैसे बिलीव करें कि तुम सच कह रहे हो? क्या यार, लोन के लिए अप्लाई किया है क्या? फ्रेंडशिप तो मांगी है, प्लानिंग बिजनेस के लिए होती है, फ्रेंडशिप के लिए नहीं होती। प्यार कभी भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है, सो ट्रस्ट मी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ना मैं उसका बैकग्राउंड जानता हूँ, ना उसके फोरग्राउंड से कोई लेना देना है। फैंसी नंबर था, डायल किया, कनेक्ट हो गया, अब आगे उसकी मर्जी मेरी किस्मत। ओके मिस्टर कार्तिक, आई बिलीव यू। थैंक यू। पर एक बात मैं तुमसे क्लियर कर देना चाहती हूँ, कहीं तुम ये दोस्ती लव शव के लिए तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली उसी के लिए कर रहा हूँ।
तुमने तो मुझे अपना नाम बता दिया है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। चलो मारो नाम गेस करो। ठीक है, मैं शोना, बेबी, स्वीटू, कुछ भी कह लूंगा। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ, तुम ना मुझसे मिलोगे, ना बात करोगे, ना ही नाम पूछोगे। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। बात यह है कि मैंने अभी तक तुम्हें भी देखा नहीं है ना। ठीक है। इन केस अगर तुम फेसबुक या फिर किसी सोशल मीडिया साइट पर हो तो अपनी फोटो वहाँ से डिलीट कर दो। अभी कर देता हूँ। लेकिन क्यों? बात एम छे कि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स भी तुम्हें देख पाएं। ओह, ओके। परफेक्ट, डिलीटेड। ओके, फरी मर्शु। ओके, बाय। मैंने उसे देख लिया। क्या हैंडसम मुंडा यार। कितनी चालू है यार तू। तू तो उसे बिना देखे प्यार करने वाली थी ना, पर तूने उसे देख भी लिया और जान भी लिया। मैंने कहा था कि वो मुझे ना देख पाए, ये नहीं कि मैं उसे ना देखूं। हम कुड़ियां हैं यार, पहले हमारी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो तूने उससे उसकी फोटो क्यों डिलीट करवाई? मैंने कंफर्म करना था कि ये वही मुंडा है। बहुत इंटेलिजेंट हो बेबी, बिना देखे ही प्यार। तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन मैंने तुम्हें। तुम्हें पटाने के लिए कितने सारे प्लान्स बनाए थे, पर तुम तो ऐसे ही पट गई। तीर निशाने पर लगा होगा ना? लगा होगा, मैंने चलाया। बेबी, आई लव यू बेबी। ओह यस, वेयर आर यू हैंडसम? खुद ही देख लो बेबी। हाय, स्माइल। हे, क्या कर रही हो? बस तुमसे बातें। लगता है कोई काम नहीं है। कार्तिक, कार्तिक, मम्मी, खाना खा लिया? हाँ, बहुत पहले ही। मम्मी ने पनीर बनाया था। ए कार्तिक, ये बुके श्रुति को दे दूँ क्या? बुके मत दे, सिर्फ एक फूल दे, जा। तुम्हारे लिए। यस, यस। एक मिनट, बस एक मिनट। हेलो। मारो बेबी, शू करे छे। तुम्हारा बेबी वॉलीबॉल खेल रहा है। मेरे से बात नहीं करेगा? तुमसे तो मैं पूरी जिंदगी बात कर सकता हूँ। अच्छा। पागल हो गए हो तुम। सच में ऐसा ही है। मिला क्या? ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, एड्रेस देना इलीगल है यार। चुप रहना यार, हजार बार सुना चुका है। ऐसी बात नहीं है, ये वीआईपी नंबर है। वीआईपी नंबर है? हाँ। इसका मतलब मेरी बेबी वीआईपी लड़की है। थैंक्स यार। हाय माँ। मुझे भी हमारे साथ आना चाहिए था, पर तू हमेशा बिजी रहती है। आपने दर्शन तो अच्छी तरह किए ना। नॉर्मल लाइन में घंटों खड़ी रही और वीआईपी पास वाले फटाफट निकल गए। क्या फायदा इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होने का जब लाइन में वेट ही करना है। बस भी करो। अच्छा बेटी, ये बताओ, क्या मैं भगवान से बड़ा वीआईपी हूँ? दैट्स व्हाट। अरे बेटे रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। मैं तुम्हारे लिए एक बंदरिया लाया हूँ। बंदरिया? हाँ। श्रावी दीदी। कैसे लगी? अरे आराम से, धक्का मार। मैंने लगा आप मजाक कर रहे हैं। ये बंदरिया कहाँ मिली? तिरुपति मंदिर में। अंकल, मैं दोस्तों के साथ वहाँ गई थी। अंकल वीआईपी हैं इसलिए इन्हें ज्वाइन किया, लेकिन ट्विस्ट तो देखो, मुझसे पहले मेरे दोस्तों ने दर्शन कर लिए। अब चलो अंदर चल के बातें करना। चलिए। नाइस, तुम्हारा कार्तिक और तुम्हारी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, एकदम किसी फिल्म की कहानी की तरह। ऐसा तो फिल्मों में ही होता है, सेम टू सेम। तुम्हें क्या हुआ, इतनी शॉक्ड क्यों हो? पापा इतने आराम से बेटी की कहानी सुन रहे हैं और बेटी डिटेल में अपनी लव स्टोरी बता रही है। आप कितने कूल हैं। और एक मेरे पापा हैं। ऐसा नहीं बोलते। मुझे भी अपनी बेटी जैसा रखिए अंकल, फिर मैं भी इसकी तरह खुश रहूंगी। श्रावणी जैसी बेटी पाकर कोई भी बाप खुश होगा। इसने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, ना मुझ पर डिपेंड है और ना ही मेरे नाम का कभी फायदा उठाया। पर मैनू अब आपके नाम का फायदा उठाना पड़ेगा। ये क्या श्रावणी, मैं तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा हूँ और तुमने तो उस तारीफ को वेस्ट कर दिया। वैसे क्या हेल्प चाहिए? मैनू कार्तिक के ऑफिस में एक जॉब चाहिए, हो सके तो एक वीक के अंदर। कहो तो तुम्हें उस कंपनी का चेयरपर्सन बना दूं। एड्रेस तो यही था, कहाँ है वो? आखिर कब तक
तुम ये लुका छिपी का खेल खेलोगी, अपने हीरो को मुझसे नहीं मिलवाओगी? एक हफ्ते बाद। अरे एक हफ्ते बाद क्यों? मेरा बर्थडे है। ओहो ग्रेट, तो फिर मैं तुम दोनों को बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। गेस करो क्या, जो जॉब तुमने मांगी थी वही। थैंक यू। बॉस लाइट हो रहा है क्या? मस्त लग रही है, फोन नंबर क्या है इसका? तेरी तो मालकिन के बारे में ऐसे बोलता है। अरे ये मेरी मालकिन नहीं है। मतलब ये लड़की इस एड्रेस पर नहीं रहती है क्या? नहीं रहती, निकलो ऐसे। एड्रेस तो करेक्ट है, शायद शिफ्ट हो गई होगी। थैंक यू। सुन भाई वो आ गई है। लेट्स स्टार्ट द गेम। हैव दिस। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हे भगवान, तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं? अरे है यार, बिल्कुल है। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? अबे स्टाइल से पूछ। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? आई थिंक यू आर गेटिंग पर्सनल, बट आई लाइक योर स्ट्रेटनेस। बट फ्रैंकली मुझे ये प्यार व्यार फिल्मी स्टाइल में आई लव यू कहना, घंटों फोन पर बातें करना, पार्क में घूमना, सिनेमा देखना, खाना खाना, मुझे ये झंझट ही पसंद नहीं है। तुम्हें चिकन पसंद है क्या? Of course. मतलब मुर्गी को पकड़ना, उसको छीलना, उसको काटना, उसका खून निकलना, जलाना, ये सब भी पसंद है? यक, how silly. आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने कहा था चिकन पसंद है? जो चिकन खाते हैं वो ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं क्या? Exactly. जो भी प्यार करता है जरूरी नहीं वो भी ये प्रोसीजर फॉलो करे। पर सच बताऊं तो लव में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही मेरी किस्मत है। इसमें तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है भला? इंटरेस्ट ये है कि अब तक तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। तो मैं तुम में इंटरेस्ट लूंगी, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस नहीं, गोल। कॉन्फिडेंस होता तो आराम करता, तुम मेरा गोल हो इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या आंसर होगा? अगर वो चिकन वाला लॉजिक सुनने के बाद भी तुम मेरी बातें सुन रही हो, मतलब आंसर पॉजिटिव है। अरे भाई वो तो चली गई। एक बार पलट कर जरूर देखेगी। अरे पलटी। अब मुस्कुराएगी। अरे मुस्कुराई रहा, निकल पड़ी। तू बस खुश रहे यार। उतरी। हैं? ये कोई और ही है। नाइस शॉट, गुड स्पिन। What's up, baby? अत्यारे क्या छो? सुल्तान बाजार। वहाँ क्या कर रहे हो? एक फ्रेंड को मिलने आया था। गेस कर सकते हो मैं क्या कर रही हूँ? गेस क्या करना है बेबी, ऐसे ही बता सकता हूँ। अच्छा मैं हिंट नहीं दूंगी। तुमने हिंट दे दी तो मेरा दिमाग किस काम का? मेरी स्मार्टनेस के लिए मुझे कोई हिंट नहीं चाहिए, बस एक गिफ्ट चाहिए। मुझे क्या दोगी बोलो? ठीक है, अगर सही सही बता दिया तो मैं तुमसे फेस टू फेस मिलूंगी। अगर तुम मुझसे मिलोगी तो वो तुम्हारा गिफ्ट होगा, मेरा क्या है? गांडा माने जवाब आपो। ओके ओके बताता हूँ, गेट रेडी। तो इस वक्त तुम बना रही हो एक हेलो। उश कार्तिक, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मेरा फोन। हेलो, मेरा फोन किसी ने चुरा लिया। फिर तुम बात कैसे कर रहे हो? ब्लूटूथ से। तो जाकर उसे पकड़ो। अरे वो भाग गया यार। मेरे ख्याल से वो चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर आसपास होगा तो भागेगा नहीं। लगता है वो चोर ज्यादा ही चालाक था, निकल गया होगा। निकल गया होता तो हमारी कॉल कट हो जाती, वो यहीं कहीं है मेरे आसपास। ए! मिल गया। चोर तारा थी, स्मार्ट न थी। क्या हुआ कार्तिक? कुछ नहीं, इससे टकरा गया। ए, मेरा फोन। भैया वो मेरा फोन है, लाओ। अरे अरे थैंक्स भैया। क्या कर रहे हो यार? अगर उस फोन को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। भैया फोन दो ना। हेलो, क्या हुआ बेबी? तुम उनसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? सीधा मुंह तोड़ो और फोन लो। अरे फोन दे देंगे यार। फोन दे दो बॉस। ओ बेबी
फोन में क्या कर रही है? उसे यहाँ लेके आना, सब मिलकर खूब बातें करेंगे उसके साथ। क्या कर रहा है यार? एक फोन के लिए मारेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेबी को छेड़ोगे? अच्छा बेबी, पहले इन गुंडों का चैप्टर क्लोज करता हूँ, फिर कॉल करता हूँ। ठीक छे। वैसे मुझे फोन की इतनी परवाह नहीं थी यार, लेकिन इस फोन में मेरी बेबी की फोटो है, अगर उससे कुछ हो जाता ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बेटा, फ्रॉम योर फैमिली। चलो केक काटो। श्रावी, इतनी सैड क्यों है? कुछ नहीं, हेलो। हे, जल्दी हिल पार्क आ जाओ। क्यों आऊं? अरे आओ ना, फिर बताता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तू भूल ही गए हो के? अच्छा, स्पेशल है? तुम नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए भी ये दिन सुपर स्पेशल है। तुम्हारा बर्थडे छे? बर्थडे इतना स्पेशल नहीं होता, तुम आओ ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं नहीं आऊंगी। बेबी प्लीज 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 आओ ना। तुम मुझे देखना चाहते हो ना? अरे यार, तुम्हें देखने के लिए तुम्हें पहचानना भी तो पड़ेगा ना। अरे आओ ना यार, एक इवेंट दिखाना है तुम्हें। कैसा इवेंट दिखाना है? अगर तुम सामने आ गए तो? नो प्रॉब्लम। वैसे भी फेसबुक पर मेरी पिक्चर्स डिलीट करते वक्त तुमने मुझे देख लिया है, ऐसा मुझे डाउट है। मैं इतनी भी चालाक नहीं हूँ। इसमें चालाकी क्या है, आजकल लड़कियों को होशियार रहना चाहिए। आओ ना बेबी। अब और कुछ मत कहो, जल्दी से आ जाओ। बाय बाय बाय। ये मेरी फीलिंग्स को इतनी परफेक्टली कैसे समझ लेता है? यही तो इश्क है यार। चल हाथ पगली। क्या हुआ? श्श, वो सामने खड़ा है, वही है। ये तो बड़ा हैंडसम है। लेकिन मैं क्यों छुप रही हूँ? वो तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। वो तुझे पहचान नहीं पाएगा? अगर पहचान लिया तो गया। जल्दी आ जाओ बेबी, जल्दी आ जाओ। उसने मुझे नहीं देखा। कितना क्यूट है। कितना लेट करोगी? मैं नहीं, तुम लेट हो। मैं तो आ गई हूँ। आ गई? कहाँ? तारा पास एज हूँ। चलो मुझे तुम्हारा ग्रैंड इवेंट तो दिखाओ, घर पर बहुत लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तुम ना। ठीक है, ओके फाइन। Hakuna Matata.
हैप्पी बर्थडे बेबी। मुझे लगा तुम भूल गए थे। दोस्त कभी नहीं भूलते। वैसे तुम्हें मेरा ये ग्रैंड इवेंट ठीक ठाक लगा ना? ग्रैंड इवेंट बहुत ही ज्यादा ग्रैंड था। अच्छा ये बताओ तुम मुझसे मिलोगी कब? 3 मैजिकल वर्ड्स कहने के लिए मैं 3 दिन बाद मिलूंगी। What? सचमुच 3 days? 1, 2, 3? Un, dos, tres? Yes! Cheers! भाई आज से मेरे लिए मेरा भगवान तो मेरा दोस्त कार्तिक ही है। अरे यार इसे बताओ आज तक मैं किसी काम में फेल हुआ हूँ क्या? नो नो मैं नहीं मानता। लव सक्सेस हुआ मैं कैसे मान लूं? मैं तो यही मानता हूँ कि लव में लोग पास नहीं फेल होते हैं, और जो फेल ना हो वो लव नहीं है। इसकी बात मत सुनो यार, ये मेरा कजिन है रमेश, इसको लग रहा है मैं प्यार में फेल होने के गम में पार्टी दे रहा हूँ। मतलब क्या ये लव फेल की पार्टी नहीं है? मेरे लिए तो पार्टी कैंसिल नहीं करेगा। अरे कैंसिल क्यों, ये लव सक्सेस होने की पार्टी है यार। मतलब तुम लोग लव सक्सेस की भी पार्टी देते हो? आजकल के आशिक भी पागल हैं। ए तू अपनी ड्रिंक पीना। अच्छा ये बता उसने तुझे आई लव यू बोला क्या? फिल्मी स्टाइल में तो नहीं बोला लेकिन अरे किसी स्टाइल में तो बोला होगा ना, बताना हम लोगों को। उसने कहा है यार। बताना कैसे कहा उसने? बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएगा तो पार्टी कैंसिल। सच सच बता, तुझे दारू की कसम है। सबके सामने बताने में शर्म आ रही है, कार्तिक के कान में बताओ। अरे 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 शर्मा रहा है शाय बॉय, चल बता उसने किस किया। अच्छा किस क्या? कब किया यार? कल ही किया। कैसा भक्त है यार तू, भगवान मुझे कहता है और प्रसाद कहीं और खाता है। ये प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाते हैं फिर दोस्तों को बांटते हैं। ए, ये प्रसाद सबके लिए नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि इन्हें डार्लिंग से क्या बात है, वो यहीं पर आ रही है, उसके जाने के बाद मिला लेना। बेवड़ी है, शॉपिंग के लिए आ रही है। तू हमें उसे मिलवाएगा? अबे जाजा तुम बेवड़ों से मिलवा दिया तो वो सोचेगी कि मैं भी बेवड़ा ही हूँ। वो देखो मेरी रानी आ गई। ए, चलो चलकर देखते हैं, चलो जाओ यार। क्या दिखती है यार, मस्त है ना यार एकदम। हट। पागल हो गया, मत देख मुझे क्या। क्या कर रहा है? ले देख। चल अब चलें क्या? दारू खत्म हो गई क्या? हाँ यार बार भी बंद हो चुका है। बार बंद हो गया या तू बंद हो गया? अरे नहीं यार, तू बार बार घड़ी देख रहा था तो मुझे लगा कि तुझे घर जाना है। एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। तो पहले क्यों नहीं बोला, उसको यहीं पर बुला ले, समझ बार अपना ही है। हे जॉर्ज, वन लार्ज। ओके सर। मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लड डोनेट करने के लिए अगर तुझे रात को SMS आता है, हॉस्पिटल जाने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है, तो तू पुलिस की गाड़ी चुरा कर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अरे इस काम के लिए तो जेल भी हो सकती है यार। फाइनली पता चलता है कि तूने जो ब्लड डोनेट किया है उससे मुझे एड्स हो गया। यानी ब्लड में लोचा? इसका मतलब मुझे एड्स है? लगता तो ऐसा ही है। पर बिना चरखा चलाए कैसे हो? अबे एक्सीडेंट हुआ ना, तूने ब्लड डोनेट किया। मैं अपनी सिचुएशन समझाने के लिए तुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार। क्या करता यार, मेरी जान ऊपर नीचे हो गई। यही तो तेरी प्रॉब्लम है। क्या? तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। फॉर एग्जांपल ये पार्टी। अब लव सक्सेस की पार्टी देने में कैसी गलतफहमी यार। मधु मधु मधु, एक्चुअली तुझे प्यार हुआ ही नहीं है। मैं तेरी बात नहीं मानता। मेरे फ्रेंड को आने दे फिर पता चल जाएगा। कैसे? तुझे प्रूफ दिखाऊंगा ना। प्रूफ दिखाएगा? हाय बॉयज हैविंग फन की तो मैं कहां था बे? गोल्डमैन की पिक्चर देख रहा था। तेरा मामा गया था पिक्चर देखने। बेवकूफ। हाय आई एम पांडू द ग्रेट। अरे हाय हेलो छोड़ नीचे बैठ। बात सुन, मेरे जिंदगी में दो लिच्चर दोस्त हैं, एक ये और एक ये। आई गेट योर पॉइंट। हाँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये देख। अरे ये तो मेरी भाभी है ना, इसे बता
ये इसकी गर्लफ्रेंड है। मेरी तरफ देखकर बोल, मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दे। मुझे और इस लड़की को किसने मिलाया था? मैंने। और मैं इस लड़की से कितने दिनों से प्यार करता हूँ? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली एक महीने से। स्पीड, जल्दी जल्दी जवाब। चल अब ये फोटो, इसे दिखा, दिखा इसे। ये देख ले भाई। ऐसा नहीं हो सकता है। ए, तू सक्सेस पार्टी दे रहा है यार, उसने तुझे आई लव यू भी कहा ना। कहा होगा तभी तो ये पार्टी दे रहा है ना। मम्मी। ए, वो मेरी बेबी है ना, तो इसे आई लव यू क्यों कहा? शायद इसे आई लव यू बोला हो। तू इसे सपोर्ट क्यों कर रहा है? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब तुझे कुछ नहीं पता? मुझे तो कुछ नहीं पता। चल फिर से बोल। कुछ नहीं पता। ड्रिंक पी लूं? हाँ, गला गीला कर ले। मधु, अब बता, उसने तुझे आई लव यू कहा? अरे उसे आई लव यू में विश्वास नहीं है। लेकिन यार कुछ तो कहा होगा ना। अच्छा रुक, ये देख हमारे एसएमएसएस, चैट्स, हमारी बातें देख, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। पता नहीं क्या लिखा होगा। फिर उसने मुझे चुम्मा क्यों दिया? तूने सुना इसने क्या कहा? हाँ सुना, पता है मुझे। अगर कोई एमएमएस है तो दिखा दो इसको। क्यों बे, एमएमएस देखने का बहुत मन कर रहा है तेरा? मैं तो बस प्रूफ देखने की बात कर रहा था। तेरा ना कीमा बना के खा जाऊंगा। मैं वेजिटेरियन हूँ। अरे यार, हम मर्दों की जात ही ऐसी होती है। लड़की हाथ मिला दे तो हम दिल दे देते हैं, धोखा देती है तो दूसरी लड़की के पास जाते हैं, ऐसे ही होते हैं हम। अरे वाह, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे तेरी। अगर तू मुझसे झूठ बोलता ना तो मैं तेरी जुबान खींच लेता। लेकिन मेरे दोस्त तुझे गलत फहमी हुई है, वही समझा रहा हूँ। तो जब मैंने उसे आई लव यू कहा, उसने मना क्यों नहीं किया? अबे लड़कियां मना नहीं करती, टाइम देखकर कट लेती हैं। करेक्ट। तो के पास अभी फोन करता हूँ उसको। ए, रुक, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, पर उसे पता चल गया कि मैंने उसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बता ना इसे। सुन यार, बिना इसका नाम लिए उसे जी भर के गालियां दे दे। अगर ये गालियां दे देगा ना तो तेरा रास्ता साफ। मधु, मेरी जिंदगी से क्यों खेल रही हो? क्या मुझसे प्यार करने की एक्टिंग कर रही हो? एक्टिंग क्यों करूंगी? क्या यही सच्चा प्यार है? तुम्हें नहीं लगता क्या? मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तुम एक धोखेबाज, बेवफा, सनम हर जाई हो। और मेरे पास प्रूफ है, पूरा प्रूफ। तुमने पी है ना? हाँ पी है, ग्लास भर के पिए, बॉटल भर के पिए, टंकी भर के पिए। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे फ्रेंड की भी जिंदगी खराब कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। तुम्हारा कौन सा फ्रेंड? मेरा फ्रेंड नहीं, तुम्हारा फ्रेंड। अरे तुम्हारा तो लवर है। बाहर में जाओ। फोन काट लिया उसने। मैं लुट गया। ओ मधु, ओ मधु, उस लड़की को भूल जा रे तू। वो लड़की नहीं, वो तो इच्छाधारी नागिन है रे वो। तू भी ले भी। हेलो। मुझे लगता है तुम अब तक सोई नहीं हो। नहीं सोई। क्यों नहीं? किसी ने तुम्हें फोन करके गालियां देकर डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? क्या कहा? मैं तो टाइटैनिक देख रही हूँ। ओके ओके, मैंने मान लिया। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ बेबी। ये जो छोटे शहरों से, गांव से लड़के आते हैं ना, लड़की उनका हाथ भी पकड़ ले तो वो उसके ऊपर एक पूरी कहानी लिख देते हैं। उन्हें शहर के कल्चर की आदत नहीं होती ना। छे 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 छे। यहाँ किसिंग और हगिंग कितना कॉमन होता है। असल में भारत देश की युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो चुकी है बेबी। तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं तो बस हमारे देश के संस्कार समझा रहा हूँ। क्या मैं संस्कारी नहीं हूँ? बाप रे, अगर ना कहा तो ऐसे लगेगा मैंने इसे देखा है। अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगा बेबी, मैंने क्या तुम्हें बार में देखा है क्या? ते दारू पी दी? हाँ, सब पीते हैं। शराब पीकर ये सब बकवास करने के लिए मुझे फोन किया है? मुझे तुमसे ये सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन की बात तो तुम करो ही मत बेबी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत साफ सुथरी हो क्या? शट अप। बेबी बेबी, मधु, तेरे और मेरे बीच जो पंगा है वो खत्म होना चाहिए। मैं मैटर सॉल्व करूंगा। मुझे बस मेरी बेबी के पास, मतलब श्रुति के पास ले जा।
जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। ए, तू मुझे ऑफिस क्यों ले आया? कैसा लवर है ये भी नहीं जानता उसका यहाँ पे एक बुटीक है। क्या, मेरी बेबी का यहाँ पर एक बुटीक है? ए, मतलब लड़की मेरे बगल में ही थी और मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा था। चल। ओके, इस खामोशी को मैं खत्म करता हूं। बेबी, आई एम कार्तिक। पहली मुलाकात में बस इतनी एक्साइटमेंट, शायद शॉक में होगी। ओके बेबी, कल रात को एक्चुअली मैं इसके बारे में बात कर रहा था। आई एम सॉरी, भूल जाओ। ये गांव का छोकरा सिटी का लव कैसे समझेगा? ये तुम्हारे दोस्ती को लव समझ बैठा। लव ही है। वो तो मेरे साथ है पर ये सोचता है इसके साथ है। और ये बताओ तुम कौन हो? आय हाय हाय, क्या एक्टिंग करती है। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। कितने रंग बदलती है, गिर। ये मधु, कंट्रोल योरसेल्फ। जानता हूँ तुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मेरे सामने तो इस पर गुस्सा मत कर। सॉरी यार। Okay. ये मुझ पर गुस्सा करे, तुम्हें इससे क्या मतलब? ओह, तुम दोनों भी दोस्त हो ना, तो ये गुस्सा झगड़ा लड़ाई वगैरह भी कॉमन हो गया है। गुस्सा कर यार। नहीं यार, नहीं करना। मधु चिल्ला। नहीं 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 चिल्ला ना। मधु मैं कह रहा हूँ ना, चिल्ला। चुड़ैल। मधु को ऑर्डर्स देने वाले तुम कौन होते हो? चिढ़ क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा प्रेमी मुझे ऑर्डर दे रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम इसके ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो? तुम किससे प्यार करती हो? छी छी, कैसे शक की इंसान से प्यार कर बैठी? ओ, कल रात को थोड़ी ज्यादा पी ली थी पर उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। शक ये कर रहा है, सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? मैं इसके लिए सॉरी नहीं कह रहा हूँ, मैंने शक किया इसलिए सॉरी। वैसे भी तुम होते कौन हो मुझ पर शक करने वाले? ओ, आप पूछ रही है कौन है? उल्टी छिछोरी कोतवाल को डांटे। चिल्लाने दे यार, she loves me, उसे जो करना है करने दे। इसने मुझे दिखाया। क्या कह रहा है? मतलब कि गुस्सा। ओ ठीक है, मैं बात करता बेबी। शट अप, जस्ट शट अप। अगर दोबारा मुझे बेबी कहा तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। पर मैं तो इतने दिन से तुम्हें बेबी कह रहा हूँ ना। इतने दिनों से? मैंने तो आज तक इसका चेहरा भी नहीं देखा। यही तो तुम चाहती थी ना, यही डिसाइड हुआ था। कहा था ना, ना मिले हैं ना एक दूसरे को देखा है। लेकिन फोन पर सुनी हुई मेरी आवाज कैसे भूल गई? बेबी आवाज। हाँ आवाज। हाँ आवाज। हाँ आवाज। हाँ आवाज। देखा? यस यस। अमिताभ बच्चन की है ना? सॉरी मैं पहचान ही नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसको तुमने? छी, कैसी बेवफा है, धोखेबाज माँ की बेटी। आज नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बेबी, तुम्हें लगा तुम्हारी माँ को कहा ना? आई डिडंट मीन इट बेबी, तुम्हारी माँ की कसम। मेरे दोस्त को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसको नहीं, तुम्हें जरूर मारूंगी। मेरे को भी नहीं मारना। अरे बेबी, बेबी कम डाउन, कम डाउन। चली गयो। आपने जोकर क्यों उठाया? कोई और कार्ड उठा लेती ना। ऐसे ही ड्रॉप। कुछ नहीं, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। तुम उससे प्यार करती हो ना, उसी से शादी भी कर लो। किससे? कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे? ज़बान संभाल कर बात करो। तुम मधु से शादी कर लो। ये मधु कौन है? बहुत हो गया यार, मिले थे तो कहा उससे प्यार करती हो, अब पूछ रहा हूँ तो कहती हो वो कौन है? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कौन हो? तुमने फोन किया, तुमने दोस्ती की और अब मुझ पर शक कर रहे हो? कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ? तुम पागल हो क्या? मैं? मुझे पागल कह रही हो बेब? श्रुति। अभी श्रुति कौन है? यही तो तुम्हारा नाम है। तो मेरा नाम
बदल दोगे? वो तुम्हें इसी नाम से बुलाता है। अरे ये वो है कौन? वो किसे क्या बुलाता है और तुम किससे बात कर रहे हो? अब मैं समझी, गलती से तुम्हें मेरा नंबर किसी तरह मिल गया और तुमने टाइम पास किया। अब मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए तुम ये बकवास कर रहे हो। गलती से नहीं मिला, अब तुम्हें देखा और तुमसे प्यार हो गया, उसके बाद नंबर निकाला और फोन किया। तुमने मुझे देखा है? हाँ। मतलब तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, वो पांडू की शादी में तुम्हें देखा और देखते ही प्यार हो गया। अब ये पांडू कौन है? वाह 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 वाह, अब तुम्हें पांडू भी याद नहीं? कौन से लेवल की चीटर हो तुम? देखो मैं नहीं चाहती कि तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। फोन रखो। हे बेबी, श्रुति, श्रुति। मेरा फोन नहीं उठाओगी? आई एम कमिंग। ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। Really? क्या ये मुझे फिट होगा? हाँ। ओके। जानती हो किसी का फोन नहीं उठाना कितना बड़ा जुर्म होता है? पता नहीं। तुमने कॉल किया और मुझे किया? घंटी सुनाई नहीं देती क्या? तो तुम्हें सुनाई दी क्या? अब अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। जब मैंने कॉल किया था तो रिंग सुनाई दी थी मेरे फोन में। अच्छा, ठीक है, तो कॉल करके देख लो। देखना, घंटी बजेगी, जोर से बजेगी, स्पीकर पर सुनो। सुन रही हो ना, फोन बज रहा है। दोबारा फोन किया ना तो जान से मार दूंगी। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा क्राइम किया? एक लड़की की जिंदगी से खेला है। क्या बोल रहा है, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। मेरी किस्मत फूटी थी और लड़की ने भी शर्तें ऐसी रखी, ना नाम ना मिलना, वो भी एक रॉन्ग नंबर। ए, तूने उस दिन नंबर ठीक से नोट तो किया था ना? अच्छा, अब तो रिवर्स फिटिंग करेगा। कर ले, कर ले। अरे तेरी तो, एक तो मैंने तेरी मदद की, ऊपर से तू मुझे ही दोषी मान रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक हेल्प और कर देना प्लीज। कैसी हेल्प? मैं उस लड़की के पास जाऊं, उससे सॉरी बोलूं कि मेरे दोस्त से गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दो, यही बोलूं ना? हाँ यही। ठाकुर, जान जाए पर वचन न जाए। है? मैं उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा। मैं उसे अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं? इस सब के बारे में तुझे पहले सोचना चाहिए था बुद्धू। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। सोचा था कितना फैंसी नंबर है 126, पर उन तीन नंबर्स की वजह से इतनी मुसीबत में फंस जाऊंगा कभी सोचा नहीं था। 126 फैंसी नंबर? उस दिन दारू पी के पता नहीं मैंने इसको कौन सा नंबर दे दिया और इससे कौन सा लिख लिया। मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। ठीक है। हाय कार्तिक, तुम यहाँ कब आ गए? क्या हुआ, कोई परेशानी है? हे भगवान, ये कांड तो मेरी वजह से हुआ है। मैंने कौन सा नंबर लिखवा दिया इसको? अगर ये कार्तिक को पता चला ना तो मेरी हालत वैसी होगी जो ट्रक के फटे टायर की होती है। आइडिया, मेरे फोन में भी चेंज कर देता हूँ। 126। हाँ, फोन कहाँ गया? Hey, तूने मेरा फोन? हाँ? क्या हुआ? फोन? किसका फोन? अच्छा, तेरा फोन? यहाँ तो पड़ा है, क्यों यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है? अच्छा सुन, तूने कौन सा नंबर नोट किया था देखो तो? तेरे फोन में कौन सा है, मेरे फोन में कौन सा है, चेक करें? ये देख, तेरे फोन में मेरे फोन में सेम नंबर है। ये देख, ये रॉन्ग नंबर है। देखो, उस दिन उसका नंबर मैंने खुद नोट किया था। देखो, इन्होंने गलत नंबर नोट किया और तुम्हें भी गलत नंबर बताया। अच्छा, ऐसा क्या? वो रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर है। अच्छा, ऐसा? जाओ किचन में, जाओ चाय बनाओ, जाओ। जरा मैं भी देखूं इन्होंने कौन सा नंबर सेव किया है। अरे सेम नंबर है। ये क्या, आपने भी रॉन्ग नंबर सेव किया है? अरे ये वही नंबर है जो तुमने नोट करवाया था। वो नंबर नहीं है, मुझे ही चेक करना चाहिए था कि आपने सही नंबर सेव किया है या नहीं।
मेरे प्यारे राम दुलारे। हाँ बोल। क्या कह रहा है, जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। छोटी सी मिस्टेक हो गई है। बेल्ट भी मिस्टेक जितनी छोटी। तुझे मारूंगे क्या? अरे कैसे कैसे किया? मुझे लगेगी यार। अच्छा मुझे नहीं लगता। अच्छा तेरी तरफ से मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, माफ कर देगी। पर तेरी क्रिएटिविटी के लिए किसी को तुझे भी तो सजा देनी चाहिए ना। ऊपर वाला सजा देगा। उसका काम मैं आसान करता हूँ। तेरी तो गलत नंबर देता है, ऊपर से बोलता है फैंसी नंबर है, क्रिएटिविटी दिखाएगा। मैडम सुनिए ना। सर यही हुआ था। तुम क्या कहती हो बेटी? सही और गलत को साइड में रख दूं तो मेरी बेटी को रुलाने वाले आदमी को मैं जिंदा। सर दोबारा ऐसा नहीं होगा। फैसला तुम पर है, जो भी तुम चाहो। बचपन से मैंने एक ही सपना देखा कि मैं जैसी हूं कोई मुझे वैसे ही अपनाए। मुझे वो मुंडा मिल भी गया, लेकिन लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। वो मुझे कोई और समझ कर ही प्यार करता रहा। मैं बहुत अनलकी हूँ पापा। अगर इसके लिए कार्तिक रिस्पॉन्सिबल है तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो क्या मैं उससे बात करूँ बेटी? नहीं पापा, अब जो हो गया सो हो गया, इस बात पर यही मिट्टी डालते हैं। कार्तिक ने अपने दोस्त को भेजकर बहुत ही अच्छा काम किया पापा। अगर वो यहाँ आया होता तो शायद मैं उसे जान से ही मार डालती। इट्स ओके सर, अब मैं कार्तिक को कभी कॉल नहीं करूंगी। ओके। और कार्तिक को कहना कि वो भी मुझे कॉल ना करे। ओके। भले ही वो कॉल सॉरी कहने के लिए ही क्यों ना हो। It's okay. Let's end it. Thanks. Thank you very much. अगर तुम मधु को भी माफ कर दो। कभी नहीं। उसकी वजह से मैं पागल हो गई हूँ। उसका नाम भी मत लेना। उसकी क्या गलती है? वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, बेबी। श्रुति, मेरी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। कैसा इंसान है वो? तुम्हारी बात सुनकर मुझ पर शक किया। मैं माफ नहीं करूँगी। क्या यही प्यार है? तो क्या तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी? नहीं करूँगी। एक बार और सोच लो प्लीज। नहीं नहीं कभी नहीं। Yes! अपनी बात पर टिकी रहना। Yes! मेरी लाइन क्लियर हो गई। पहले तुम्हें देखा, उसके बाद तुम समझकर मैं किसी और ही लड़की से बात करता रहा, और फिर तुम्हें पटाने के लिए मधु की मैंने हेल्प की। लेकिन बेबी एक बहुत जरूरी बात है, तुम्हें मधु से प्यार नहीं हुआ, उसके आइडिया से हुआ। आइडिया किसका था? मेरा था, यानी तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है। मुझे कंफ्यूज मत करो। बेबी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तू गया मधु। अरे तू कब आया? ये क्या चौली? सॉरी चौली, रोमांटिक बॉय, इसे माफ कर दो, इज अ गुड बॉय। बंद कर अपनी नौटंकी, मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ा है तू? अरे मेरे भाई, एक्चुअली बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड को तूने पटाया है। तो जब पहले देखा था तब क्यों नहीं बोला? मेरे देखने से पहले तूने इसे देख लिया था। अरे पर मुझे थोड़ी मालूम था तू इससे प्यार करता है। मुझे पता था, तेरी हेल्प क्यों करता? ठीक है तूने हेल्प की, सब मानता हूँ, पर आज प्रपोज करने क्यों आया है? तुम दोनों अलग हो गए थे ना, इसलिए। अलग हो गए? हम अलग हो गए? अबे तू उन्हें अलग किया, क्या सोचा था मैंने तुझे? तू प्यार का पुजारी नहीं, हवस का पुजारी है। झगड़ा करना है तो बाहर करो। ठीक है जाते हैं। बाहर बहुत गर्मी है। बाहर गर्मी है तो यहाँ एसी की हवा खाने आया है? कितना मतलब है तू? तुम लोग एक मिनट भी यहाँ रुके ना। अरे तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, दो मिनट रुको, सब सेट करता हूँ। मार डालूंगी। अच्छा मार डालोगी? मारो मारो, ये हमें मार डालेगी, मारो ना मारो। एक मिनट। मिलने गया था लड़की से, पिटकर आया लकड़ी से। देने गया था फूल, खुद ही बन गया ब्लडी फूल। मैंने दवाई के लिए तुझे 1000 रुपए दिए थे। अरे लेकिन तूने बात क्लियर कहाँ बताई कि सिरप लाना है कि पेन किलर? मुझे बस इतना बताया गया कि चोट लगी है, दवाई लेके आ जा।
तो तू क्या लाया? अरे ये दवाई तो लाया हूँ पागल। अरे ये जख्मों के लिए थोड़ी है रे। अरे गधे, गोल्डमाइन की फिल्में नहीं देखता? उसमें हीरो को गोली लगती है ना, कैसे दारू लगा लगा के गोली निकलता है। दर्द खत्म, वापस मारा मारी शुरू। यार तुझे तो जख्म पे दवाई लगाने से मतलब है ना। अब देख, तू इसको लगा भी सकता है और पी भी सकता है। लो आ गया हवस का पुजारी। हाय हाय। हेलो। ए, मैंने तुझे इसकी फोन वाली लव स्टोरी बताई थी ना। अरे इसकी फोन लव स्टोरी छोड़, मुझे इस बुके को देखकर गुस्सा आ रहा है। ये वही बुके है जो मैं उसके लिए लाया था। ये तेरा बुके है और क्या। बुके वेस्ट हो रहा था, सोचा यूज कर लूं। और देखो मेरी फीलिंग्स भी सेम है। चल ए इसे छोड़ना यार। अरे इसका बोल मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहानियां बना के अलग करवा दिया। कहानी नहीं यार, हकीकत है ये। मैं नहीं मानता, अगर ऐसा होता तो लड़की भी तो होती ना। हाँ होती। किसने कहा लड़की नहीं है? होती तो मैं दिखा चुका होता, मैंने खुद नहीं देखी है। अच्छा ओके, कम से कम उससे फोन पे तो बात कर सकता है ना। मतलब फोन पे बात करूं तो चलेगा? अरे दौड़ेगा। और अभी बात करके दिखा, ताकि तू बाद में सेटिंग ना कर पाया। अरे आशिक के लिए यही काफी है यार, तू एक बार उससे फोन पे बात करके प्रूफ कर दे। अगर इसने प्रूफ किया तो ये श्रुति को छोड़ देगा। अरे पहले प्रूफ तो करने देना। मेरी गर्लफ्रेंड को दांव पे लगाने वाला तू कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी भाभी है। मेरी भाभी के मेरे को फिक्र नहीं है क्या? सही बोला। ए, इसके ऑफर पे शर्त लागू है, पर मुझे प्रूफ करके दिखा कोई लड़की है। अगर हुई तो मैं श्रुति को छोड़ दूंगा। अरे अरे देखा इसकी एक्टिंग। ए भाई लोग, ए रमेश देखा कैसी एक्टिंग कर रहा है, जबकि कॉल और लड़की दोनों झूठ है रे। यू मीन नो कॉल गर्ल? ए चुप है। क्या हुआ, फोन बंद है ना? नहीं। अब बोलेगा कि नंबर बिजी आ रहा है। आखिर इसको कॉल गर्ल से लव कैसे हो गया? रिंग हो रहा है। अब देखना, बोलेगा फोन नहीं उठा रही। कट कर दिया। बोला था ना बोलेगा फोन कट हो गया, नहीं उठा रही। अरे ये सब बहाने छोड़ रे, नाटक छोड़। हो सकता है सॉरी कहना चाहता हो। हेलो। हे हाय, थैंक्स फोन उठाने के लिए, ये मेरी लास्ट कॉल है प्लीज। देखो कार्तिक, अब प्लीज तुम मुझे सॉरी मत कहना। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं सॉरी क्यों कहूंगा, जो गया जाने दो, टेक इट इजी। एक्चुअली तुम्हें कॉल करने की खास वजह है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे फ्रेंड ने तुम्हें कहा होगा मैं श्रुति को चाहता हूँ, गलती से कॉल तुम्हें लग गई। मुझे बस अपने दोस्त को साबित करना है। हेलो हेलो। हाँ या यही कि मेरा रॉन्ग नंबर लगा, और मेरे तुम्हारे बीच जो भी हुआ जब सच्चाई पता चल गई तो हम अलग हो गए। बस यही बात उसे बता दो। बताओगी तो मैं और श्रुति हैप्पीली सेटल हो जाएंगे। प्लीज उसे बता दो ना। अच्छा बताओ कब बताना है? हे कब नहीं, अभी बताना है। एक मिनट, स्टे ऑन द लाइन। तू गया काम से, तुझे प्रूफ चाहिए था ना, आज और अभी से श्रुति मेरी है। ओके ले जाओ उसको। बेबी मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। बोलो बेबी। ए कार्तिक, वेट 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 वेट, मुझे उन लोगों से कहना क्या है? तब एक बार फिर बताओगे? ए ये क्या किया, ये क्या किया? ओप्स, फोन का स्पीकर ऑन था क्या? ओके मैं मैनेज करती हूँ। हाय, माय नेम इज श्रुति। मैं और कार्तिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम क्लासमेट्स भी थे। कार्तिक के बिना जीने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्लीज कार्तिक को मुझसे अलग मत करो। ओके बहन, मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगा। चुप। ओके ना कार्तिक? हाँ ओके बेबी, अपने गुस्से की गर्मी से तुम मुझे जला रही हो, अब ये यकीन नहीं करेगा। ठीक है आ जाओ, मारो गुस्सा निकाल लो। तेरी तो धोखा देता है, मतलब कि गर्लफ्रेंड को अपना बनाएगा। मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी पापा? मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए उसके अंदर जरा सा भी गिल्ट नहीं है। और तो और, वो कार्तिक का बच्चा मुझसे ये चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ उस लड़की से उसे मिलाने के लिए, जिसकी वजह से उसने मैनू छोड़ा। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स की वजह से शांत बैठा हुआ हूँ बेटा। तुम कहो तो मैं अपना तरीका आजमाऊं। उसके शरीर को चोट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, उसके दिल को चोट लगनी चाहिए। उसे वो दर्द महसूस होना चाहिए कि जब कोई धोखा देता है और छोड़ देता है।
मैं जानती हूँ कि कार्तिक मुझसे भी 100 गुना ज्यादा दर्द सहे। उसकी कंपनी में मेरी जॉब का क्या हुआ पापा? वो तो कब से रेडी है, मैं तो बस सही वक्त के इंतजार में था। अब वो सही वक्त आ गया है। कितनी खूबसूरत है। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक्स। वेलकम मैम। वेलकम मैडम। आपको देख के अच्छा लगा। बॉस ने सबसे हाथ मिलाया, सिर्फ तेरे से नहीं मिलाया, तू बहुत स्पेशल है यार। अच्छा हाँ, चल भाग यहाँ से। उसने ऐसा क्यों किया यार, अब तो मेरा प्रमोशन गया काम से। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे प्रमोशन वास्ते बुलाया है। मैडम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, पर मैंने ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस प्रमोशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। मैडम ये प्रमोशन भूल ही जाओ प्लीज। मैडम तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से ये प्रमोशन थोड़ा गलत है, अगर डबल प्रमोशन दो तो प्लीज कैसा रहेगा? ऐसा मत प्लीज मैडम। डबल प्रमोशन? प्रमोशन से मुझे बहुत उम्मीद है। डबल? हाँ। You mean डबल प्रमोशन? I said डबल। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। समझ में नहीं आ रहा आपको थैंक्स कैसे कहूँ। कम से कम मैं तुमसे एक हैंडशेक तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। बाहर हाथ नहीं मिलाया पर यहाँ तो मिला सकती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। क्या बॉस है यार, आते ही पार्टी दे दी, वाह मजा आ गया। तू क्यों इतना सड़ा हुआ है, तुझे तो प्रमोशन मिली है यार, एंजॉय करना। ए एक्सक्यूज मी, हेलो। हाय, प्लीज फोन मत काटना प्लीज। जल्दी बोलो। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे बात कैसे करूं, जो मैंने किया उसके लिए सॉरी कह सकता हूं, लेकिन सॉरी कहने से कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। हेलो। मैंने अभी तुम्हें कॉल किया क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना मैं प्रमोशन का इंतजार कर रहा हूं, मुझे प्रमोशन मिल गया बेबी। एक्चुअली ये तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, पर तुमसे शेयर करने का मन किया तो तुम्हें नहीं बताता तो मेरी खुशी कंप्लीट नहीं हो पाती। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। थैंक यू बे, थैंक यू सो मच। तुम्हें याद था? फ्रेंड्स याद नहीं रखेंगे तो और कौन याद रखेगा। सो वी आर फ्रेंड्स नाउ? मैं तो हमेशा से तारी फ्रेंड थी। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, बाय। आहा, बर्थडे पार्टी फ्रेंड्स डबल प्रमोशन, एक ही दिन में इतना कुछ, ये तो बदला कम और मोहब्बत ज्यादा लग रही है। मेरा बदला लेने का अंदाज थोड़ा अलग है, उसे जितना ऊपर चढ़ाऊंगी उतना ही गिराने में मजा आएगा। आहा, मैंने सुना है कि तुमने कार्तिक को डबल प्रमोशन इसलिए दिया ताकि उसे अपने करीब रख सको। Shut up. No way. Oh my God. One minute. Excuse me. हेलो। अगर तुझे कुछ ऐसा देखना है जिससे तेरा दिल टूटे तो जल्दी से ट्विस्ट रोज़ आ। नहीं आ सकता, मीटिंग में हूँ। श्रुति किसी को डेट कर रही है। ओ तेरी।
तूने मुझे पीटा था ना, देख ये है इसका कैरेक्टर। टचिंग चल रही है, हगिंग चल रही है, चिचे चिचे, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। या तो तू हक कर सकता है या फिर मैं हक कर सकता हूँ। समझ में नहीं आता ये गेंडा कहाँ से आ गया। ओह, तू इसलिए परेशान नहीं है कि उसने मुझे हग नहीं किया, बल्कि तुझे नहीं किया इसलिए। ऐसा नहीं है यार, वो हम दोनों की लवर है ना। हम दोनों की कहा तो मार डालूंगा। क्या प्लान बनाया तूने? मुझे यहाँ बुलाकर ये सब दिखाकर मुझे गुस्सा दिलाएगा और मैं जाकर उसे मारूंगा और श्रुति मुझसे नफरत करने लगेगी। मुझे कोई परवाह नहीं, अगर वो मेरी नहीं हुई पर उसे मैं तेरी भी होने नहीं दूंगा। अभी तेरी बैंड बजाता हूं। मधु, अरे रुक जा। अटेंशन एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ मधु और ये श्रुति मेरी गर्लफ्रेंड, और मेरी नहीं इसकी भी, यहाँ पर किसी की भी ये गर्लफ्रेंड हो सकती है सिवाय उसको छोड़कर। ओए छुप क्यों गया भाई, शक्ल दिखा ना। ओ लव गुरु, हाथ तो हटाइए सर। ओ हाय श्रुति, पहला बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम उसे किस कर सकती हो, हग कर सकती हो। अगर पब्लिक में शर्म आती है तो होटल में जाकर कर सकती हो। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। इडियट, चलिए भैया। भैया, अरे अरे, साले साहब गलती से मिस्टेक हो गई, या कार्तिक की वजह से हमेशा फंस जाता हूँ। ओके ओके, बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। क्यों बे, मुझे मेरी बहन का बॉयफ्रेंड बोलता है। ये ले। ओह गॉड, मजा आ भी गया। क्या करूं बेबी, ऐसा सीन लाइफ में कभी नहीं हुआ। जो कर रहा हूँ सब उल्टा हो रहा है। बेचारा मधु भी पिट गया। इट्स ओके, होता है नहीं, प्रेम में बहुत कुछ होता है। कैसा प्यार बेबी, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए बनी है। उसे देखा तो अच्छी लगी थी, पर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लगे कि वो मेरे लिए परफेक्ट है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, वेवलेंथ मैच नहीं होती, और अब लगता है कि उसमें इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम तो फोन नाल बहुत बिजी रहते हो। ऐसा नहीं है मैडम। मुझे मैडम मत कहो, कॉल मी श्रावणी। ओके, कॉफी, आलू दे पराठे। चलिए जी। भूल जा कार्तिक, श्रुति को भूल जा। क्या करूं, पहले इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूं। यस, डिलीटेड। अब क्या करूं। अरे इंटरनेट है ना। क्यों रे, जानता है मैं कौन हूं? मंगल सिंह का नाम सुना है? नो एक्शन, मेरा दिल टूटा है ना, रोमांस को रोमांस ही ठीक करेगा। गुड मॉर्निंग। हाय। तुमने मेरी पेन ड्राइव देखी क्या, 8GB वाली? मैंने नहीं देखी। कितने रख दी मैंने, सच कह रहा हूँ मैंने नहीं देखी। Are you sure? कैसे देख सकता हूँ, संस्कारों के खिलाफ है। मैंने नहीं देखी, पक्का मैंने नहीं देखी। हेलो। हे बेबी, सोचे तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? बताता हूँ, मैंने सोचा श्रुति को दिमाग से निकाल दूंगा। हाँ तो क्या, तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मैंने इंटरनेट पर जाकर यूट्यूब ऑन किया, एक दो वीडियोस देखे, फिर खुशी फिल्म देखने लग गया। तो ऑफिस टाइम पे तुम फिल्म देखते हो? फिल्म नहीं यार, सिर्फ सीन देखा। उसमें वो हॉट सीन है ना, वो साड़ी वाला सीन। हाँ वही, कमर वाला। शर्म बेची ना थी के? शर्म छोड़ो, इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक उसी टाइम पर मेरी बॉस आ गई। ये श्रुति और प्रमोशन, इन सब के चक्कर में
मैंने अपनी बॉस को ठीक से देखा ही नहीं था। मेरी बॉस जो है ना, अगर मैं तुमसे सच कहूं ना तो मेरी बॉस के आगे श्रुति जीरो है। उसकी आंखें, उसके गाल, उसके उलझे उलझे बाल, कमाल है। अच्छा, तो अपनी बॉस को देखकर श्रुति को बुलाने का प्लान बना रहे हो क्या? एग्जैक्टली आज मेरी बॉस साड़ी पहनकर आई है। हाँ तो सेम। क्या सेम? सेम वो फिल्म वाला सीन ऑफिस में रिपीट हुआ। इडियट। इडियट नहीं, खुशी। चुप गधेड़ा। हे, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम्हारी कमर थोड़ी देखी है। कमर तो कमर छे, चाहे किसी की भी हो। अच्छा, तो फिर ये फिल्म वाले अपनी बीवियों की कमर क्यों नहीं दिखाते? क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके हमें दीपिका प्रियंका की कमर दिखाते? क्योंकि उनकी कमर पूरी दुनिया देखना चाहती है। एक बार मेरी बॉस की कमर देख लोगी ना तो तुम पागल हो जाओगी। अरे जो मन में आया बोले जा रहे हो। अरे तने काय शर्म आवे छे। ओलो, ये फिल्म का सीन नहीं है जो तुम मुझसे लड़ रही हो। श्रुति को दिमाग से कैसे निकालूं? मेरी हेल्प करने की जगह तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। ठीक छे, नो आई हेल्प यू। तो क्या करें? वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं, पर ये परवर छोड़ो और तुम उसे भूल जाओ। हैं? क्या भूल जाऊं? यही कि श्रुति अब तुमसे कभी प्यार करेगी। ओह या, मैं चाहता हूँ कि अपने बॉस की कमर मैं जी भर के उनके पास जाकर देख लूं। आवाचे, तो तुम आगे क्या करोगे? आइडिया। मैं आई कम इन श्रावणी? या कम इन। ये तूने शेड्स क्यों पहने? ये फैशन नहीं है, कंजंक्टिवाइटिस। मुझे तो यहाँ से नहीं दिखा। ये दूर से नहीं फैलती, ये बीमारी लोगों के करीब आने से फैलती है, इसीलिए ये गॉगल्स। एक्चुअली मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए दो कंप्यूटर्स चाहिए थे, रिसर्च करना है, तो क्या मैं उसके लिए तुम्हारा सिस्टम यूज करूं? श्योर। मैं बैठ जाऊं? हाँ बैठो ना। थैंक्स। मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जन्नत देखने में कैसा डाउट? क्या कहने का मतलब है कि काम ही मेरे लिए जन्नत है, मतलब कर्म ही पूजा है ना। ओके। या सब क्यों महसूस कर रही हूं? ये सब तो उसे महसूस होना चाहिए। काम जल्दी जल्दी निपटाना होगा। इतनी जल्दी? तुम ही ने तो कहा था कि मेरी बॉस कमाल है और खूबसूरत है, कोई भी बीच में आ सकता है, मधु की तरह। हाँ, करेक्ट है। इसीलिए कहती हूँ जरा जल्दी कर, डिनर डेट प्लान करो। या। ठीक छे। ये डिनर के लिए पूछने में इतना क्यों घबरा रहा है? तुम कुछ पूछना चाहते हो क्या? या नो नो, मैं चलता हूं। कार्तिक। या शाम को तुम फ्री हो क्या? फ्री हूं। मैं बोर हो रही थी तो तुम डिनर पे चलोगे क्या? हाँ। अगर तेनु काम है तो कोई गाल नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा काम तो है। आई थिंक आई कैन मैनेज। मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और दिन चलेंगे। नहीं नहीं, चलते हैं ना, चलते हैं। एट इज सेट। एट कूल। वाओ, कंग्रेट्स। मैंने नहीं पूछा, उसने पूछने पर मजबूर कर दिया। अभी क्या छे? शॉपिंग कर रहा हूँ डेट के लिए। ओहो, पूरे रोमांटिक मूड में हो। या सुधारिये छे।
अच्छा सा मेटल बेल्ट, रिस्ट बैंड, अच्छे गॉगल्स, एक टॉन जीन्स और एक टी शर्ट। डेट पर जा रहे हो या किसी रॉक बैंड को ज्वाइन करने जा रहे हो? चुपचाप एक व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स खरीद लो। हेलो, तुम मुझे बताओगी? सचिन को बैटिंग सिखाओगी? जी भी तारी मर्जी। ए सिक्योरिटी बाबू, काम पे ध्यान नहीं है तुम्हारा? हर हिस्से की तलाशी आराम से लो, चलो लो ना। तुम्हें तो चेक कर लिया था। ठीक से नहीं किया था, तुम चेक करके सेटिस्फाई हो गए पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। कम ऑन, छे चल। हाउ रूड। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहा है? शे, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अगर इसने देख लिया तो लिपस्टिक मुझ पर टेस्ट करेगा। वाह, क्या डोले शोले हैं, ये तो मुझे पूरा मजा देगा। कोई मुझे अनदेखा करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर सुंदर लड़की। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारा दिल उस कार्तिक पर आ गया है। बोलो स्वीटू, बोलो। लगता है सुन लिया। कितना चाहता है ये मुझे, पर उस दिन कितना भाव खा रहा था, लेकिन आज भाव खाने की बारी मेरी है। आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दम आदम। मैं भी छुप जाता हूँ। अरे ये कौन था? मैं श्रुति का पीछा कर रहा हूँ पर कोई मेरा भी पीछा कर रहा है? कहीं ये कार्तिक तो नहीं है? यू नॉटी। मम्मी, लगता है कपड़ों में भूत है। मेरा मीठा पान। बच्चा, ये तो कार्तिक ही था। मुझसे छुप के क्यों भाग रहा है? अरे श्रुति कहाँ गई? ये दोनों मुझसे छिप छिप के भाग क्यों रहे हैं? मतलब मेरा शक सही है, इन दोनों का चक्कर है। पकड़ूंगा दोनों को, रंगे हाथ पकड़ूंगा। ए कार्तिक, मेरे पास आ रहे हो? आजा आजा आजा। कार्तिक, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। जल्दी भाग कार्तिक। ये और वो दोनों मेरे आगे पीछे। आजा राजा। कार्तिक, तू बचेगा नहीं मुझसे, तब तक श्रुति को देखते हो। तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए। तुमने अभी भी मुझ पर शक करना नहीं छोड़ा। प्यार होता है वहाँ शक भी होता है। सच सच बताओ, तुम्हें अब उस कार्तिक से प्यार हो गया ना? प्लीज मुझे माफ करो, ना ही तुम्हारा प्यार चाहिए और ना ही तुम्हारा शक। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरे दिल में कार्तिक के लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है, पर तुम्हारे टॉर्चर से बचने के लिए मैं उसकी गर्लफ्रेंड तक बनने को तैयार हूँ। देखा देखा, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो ये बोलती भी नहीं। वैसे भी मैंने तुम दोनों की रासलीला अपनी आँखों से देख ली है। कार्तिक अंदर छुपा हुआ है। कार्तिक यहाँ? ओए कितनी बोली, ऑस्कर वाली एक्टिंग करती है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस दरवाजे के पीछे, अभी दिखाता हूँ। ए कार्तिक, तेरा भांडा फूट गया, चल भाग। अंदर आना। अरे बचाओ, मेरी इज्जत लड़ गई, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? अंदर तो कोई और ही है। उसे छोड़ो, मेरे पास आओ। कार्तिक कहाँ पर है? हे राजा, अंदर आजा। 5 सेकंड में इतना कुछ कर दिया, और अंदर आऊंगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। अगर तुम्हें ये कपड़े चाहिए तो अंदर आना होगा, अंदर आना होगा, अंदर आना होगा। अकल के अंदर, कपड़े की दुकान में खड़ा हूँ, नए कपड़े खरीद लूंगा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। पैंट में से वॉलेट दे देना। पर्स चाहिए तो अंदर आजा, तुझे सब कुछ दूंगा। प्लीज ये वॉलेट ना।
हाय 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 फॉर यू ओ थैंक यू कपड़े तो मेरी पसंद के ही पहने तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है श्रावणी थैंक्स मेरी चॉइस कैसी है ये तुम्हारी चॉइस है और क्या मैं दूसरों की नहीं मानता जो भी करना होता है खुद पसंद करता हूँ ओह ओके थैंक्स वन मिनट या यशो नो प्रॉब्लम बेबी बॉस के साथ डिनर पर आया हूं। उसे अपनी पुरानी लव स्टोरीज के बारे में मत बताना नहीं 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 मेरा कौन सा अफेयर है आने ना ही हमारे बारे में हमारा लव कहाँ है यार बेबी ओके मैं तुम्हें कॉल करता हूँ ठीक है बाय सॉरी अर्जेंट कॉल डैड का फोन था यूएस से ओके या ओके गल दसो डू यू लव समवन मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था लेकिन पहले मैंने पूछा हाँ वो प्यार के लिए टाइम कहाँ है श्रावणी करियर जॉब टेंशन और वो फोन वाली लड़की कौन कितनी लड़कियों से बात करते हो मैं तो तुम्हारी फोन वाली बेबी की बात कर रही हूँ उसके बारे में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है हम सिर्फ दोस्त हैं वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त है तो फिर उसने मुझे कॉल क्यों किया क्या? तुम्हें उसने तुम्हारी लव स्टोरी बता दी क्या कहा उसने उसने जो कहा उसे भूल जाओ पर ये गल तुमने मुझसे क्यों छुपाई अरे श्रावणी ऐसा कुछ नहीं है मैं यहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी कितना भरोसा था तुम पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने मुझे फोन क्यों किया तुमने उससे मेरी कमर के बारे में क्या कहा श्रावणी श्रावणी क्यों किया तुमने ऐसा तुम्हें मजाक लगता है तुम मेरी दोस्त हो या नहीं हाँ हूँ तुम्हें डाउट छे हे तुमने तो कहा था ना तुमने तो प्यार कहा था वो तो खत्म हो गया ना तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कब क्या खत्म हो रहा है तुमने कहा तो प्यार है तुमने कहा तो दोस्ती है तुम जो कहोगे मैं उसे मान लूंगी क्या मेरी सिचुएशन समझने के बाद भी तुम वैसे तुम्हारी सिचुएशन क्या है मेरी बॉस को छोड़कर तुमसे प्यार कैसे करूं भूल गए तुमने भी तो मुझे छोड़ा था श्रुति के लिए पर उस वक्त मुझे लगा तुम ही श्रुति हो ठीक छे तुम मुझे छोड़कर उस श्रुति के पास गए पर उसने क्या किया घास भी नहीं डाली उसके बाद तुम फिर से मेरे पास चले आए फिर गोल्ड माइन की फिल्म का सीन देखकर तुम्हें बहुत पसंद आ गई सूत है यो चुप केम छे श्रुति के रिजेक्शन की वजह से मैं तुम्हारे पास वापस आया ये बात सही नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं कैसे बताऊं मैं तुम्हें मैं बताती हूँ अपनी बॉस को चाहने लगे हो तुम इसलिए अब उसके पीछे भागते हो तने एक बात कहूँ मैं तुम्हारा प्यार छीन लूंगी आग तो लगा दिया तुमने जल रहा हूँ आ तो शुरुआत छे हाँ तो मार दो मुझे मार दो ओहो और मेरे एंटरटेनमेंट का क्या तो एक काम करो खुद मर जाओ इसे लगता है इसके बॉस के साथ इसकी स्टोरी खत्म हो गई तो देखना कल मैं इसे एक और ट्विस्ट दूंगी कार्तिक ने कहा ना कि श्रुति के रिजेक्शन की वजह से नहीं आया कार्तिक तुझे बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है अरे चुप कर दिल टूटेगा ना तब पता चलेगा व्हाट नॉनसेंस इज दिस कार्तिक फोन करके वो मुझे डरा रही है तो तुम्हें भी पता चल गया उसका पागलपन इसमें मेरी क्या गलती है तुम दोनों आपस में लड़ो ना जी तो कर रहा है कि तुम्हें जॉब से निकाल दूं वो मेरे धमकी दे रही है कि वो मुझे जान से मरवा देगी वो ऐसा नहीं करेगी बच्चों वाला दिमाग है उसका मेरी हरकतों की वजह से उसका दिमाग घूम गया है तो क्या वो सच में पागल है? पागल खाने की कसम खा सकता हूँ नानू परेशान क्यों कर रही है उसे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है मतबल हमारे बीच कुछ नहीं है अरे क्या है हमारे बीच कुछ भी नहीं है हमारे बीच कुछ है पूछो मत फील करो
फील करने से अच्छा है पूछ ही लूं। तुम्हें एक लड़की के दिल का हाल जानने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से अच्छा है कि तुम ही बता दो, मैं दिल से मान लूंगा। तुम मैं तुम तुआडी बेबी लाओ दो। रुको मैं बात करती हूँ। हेलो, तुआडी प्रॉब्लम क्या है? मैं कार्तिक को नहीं छोड़ने वाली। हाँ तुमने सही सुना, मेरा और कार्तिक का अफेयर चल रहा है। तुम्हें जो करना है कर लो। यस आई लव हिम, आई लव हिम वेरी वेरी मच। जोकिंग हाँ, चल फोन रख। ओह माय गॉड, मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? उसे जो सोचना है सोचने दो। वैसे भी मैंने तो झूठी बोला, तो उसे सच बना दो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं। ओह गॉड, मुझे कल कॉन्फ्रेंस के लिए विकाराबाद जाना है, वो कुछ करेगी तो नहीं ना? करके तो दिखाए। ओके, मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूं। कहाँ जाना है? विकाराबाद। ओह नो, विकाराबाद? उस रास्ते पर तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ जंगल पड़ता है ना। अगर तुम अकेली जाओगी तो। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? मैं भी साथ चलता हूँ ना। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेम टू यू। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो बेबी, तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया है। थैंक्स क्यों? तुमने मुझे जलाने के लिए आग लगाई थी ना, अब देखो तुम्हारे प्लान में तुम ही जल गई। बाप रे, मेरे बॉस ने क्या डांटा है तुम्हें। हा? वो मेरा टॉर्चर नहीं सह पाई इसीलिए मुझ पर चिल्लाई। जो भी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले हैं। हम दोनों जाने वाले हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर। हम एक फॉरेस्ट रिसॉर्ट में ओवरनाइट रहेंगे। जंगल में मंगल भी हो सकता है। मैं देखती हूँ कैसे होता है। कैसे? पहले से बता दूंगी तो तुम संभल जाओगे। जस्ट वेट एंड सी। हेलो 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 हेलो, उसे कैसे पता चलेगा कि तू विकाराबाद में या किसी फॉरेस्ट में? मैंने फॉरेस्ट रिसॉर्ट बताया ना। तो फॉरेस्ट रिसॉर्ट विकाराबाद में ही है, उसने अंडमान सोच लिया तो? ओए मम्मी, रोड के रास्ते कोई कार से अंडमान जाता है क्या? ओहो ऐसा है क्या? और क्या, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सोचना पड़ेगा, उसने कितने कॉन्फिडेंटली कहा, जस्ट वेट एंड सी कहा। इसका तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। उसको बोल तू विकाराबाद नहीं जा रहा है, बोल तू कुल्लू मनाली घूमने जा रहा है। मम्मी बचाओ। अच्छा कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, मेरे पापा की शादी है, ऑफिस कॉन्फ्रेंस है, पागल आदमी। अब एक और आइडिया है, तेरी बेबी के अटैक करने से पहले क्यों ना हम अटैक करके उसकी चटनी बना दे। मस्त आइडिया, तू कर सकता है क्या? मैं नहीं करूंगा। तूने उसे नहीं देखा यार? अरे वो मासूम से दिखने वाली पुड़िया बड़ा खतरनाक धमाका है, उसको देखकर ही मुझे जंगल में भाग जाने का मन करता है। तो क्या करें? हाँ, मैं एक खतरनाक गुंडे को जानता हूँ, उसे वहां भेजते हैं, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, नो टचिंग, ओनली वार्निंग। हाँ, ऐसे थर थर कांपेगी। क्या देख रहा बे? यही कि बिल कितना आएगा। जितना भी आएगा तू ही भरेगा। क्यों बे, तो डॉन है पर तेरा कोई ठिकाना नहीं है? हमारे भाई का कोई ठिकाना नहीं है। क्या? रेंट नहीं भर सकते। है? रेंट नहीं भर सकते? ये काम तो सही से कर पाएगा ना? टांग हाथ सर गला। मैं मालिश करवाने नहीं आया हूँ। सुनो, उसको मारना नहीं है, सिर्फ बंदूक दिखाना है, वो डर जाएगी। बस इतना ही? उसके लिए बंदूक की क्या जरूरत, खाली भाई का फोटो लेके जाओ, जो भी हो देख के थर थर कांपेगा। उधर इज खल्लास, यही भाई का पावर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर लेडीज किधर है? मुझे तेरे अंदर दोनों दिख रहे हैं। अच्छा, दो मिनट के लिए अपने कान और आंख बंद कर। अब लगता है मुझे ये गांधी जी का बंदर बना के छोड़ेगा। कस्टमर के सामने मेरी बेइज्जती करता है तो क्या करता है? हेलो, तू इधर, ये ग्राहक है, ये पैजामा, ये ग्राहक है। सुनो बेटा। बोल बेटा। करना क्या है? बस धमकाओ। कीमत लगेगी। कितनी? 12.5। मैं 50 दूंगा। 12.5 से 50 कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा होता है। डन।
Welcome, ma'am. Thank you. You're welcome. Are we ready for the meeting? हम तो इस लड़की को यहाँ डराने आए हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ? You stay. Please come. मीटिंग हो गई? हो गई। सॉफ्ट ड्रिंक्स? नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके। सॉरी सॉरी। आई बी राइट बैक। हाँ, इट्स ओके। भाई, वो उधर अकेली है। आजा आजा आजा। चलो रे, जल्दी आ। डर गई क्या? मम्मी, देखो तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकती। अगर इसको टच नहीं करना है तो मुझे कर ले। वो कौन है? अरे क्या कर रहा है? अरे भाई ये कौन है? ए भाई तू कौन है? अरे मेरे प्रोजेक्ट पे क्यों काम कर रहा है? ए चल ये मेरा काम है। ए भाई चल, अरे लेके जा रहा है। काम तू क्यों कर रहा है? क्या रे, मुझे पहचाना? सॉरी यार, कार्टून देखना छोड़ दिया। उस टाइम फोन लेके गया था, इस टाइम लड़की को लेके जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं पहचानेगा। ए, अगर तू चाहता है मैं तुझे पहचानूं, तो तेरे लिए छोटा सा चैलेंज है। हाँ, अगर तुझ में दम हो तो। क्या है? जिस फोन की वजह से मैंने तुझे पहले मारा था, उसी फोन को यूज करने दो। अगर तुझ में दम है तो फोन लेकर दिखा, लड़की तेरी। एक सेकेंड। एक सेकेंड हो गया यार, उठा लो। क्या यार, तुम नहीं सुधरोगे। एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा ये चैलेंज या गेम्स क्यों चाहिए? तुम्हारे पास लड़की थी, बगल में गाड़ी थी, आराम से उसे उठाकर लेकर जा सकते थे, पर मैंने चैलेंज कहा तो लड़की को छोड़ दिया। उस दिन फोन वाली लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आज फोन से ज्यादा ये लड़की इंपॉर्टेंट है। थैंक्स यार, अब तो फोन भी मेरा और लड़की भी मेरी। इससे पहले ये मेरे को फोड़े, मैं खुद को फोड़ देता हूँ। मर गया। अरे दिखाओ ना। अच्छा तुम हाथ भी देखते हो क्या? क्या तुम इन लोगों को जानती हो? लगता है मेरी चेन और घड़ी लेने आए थे। हाँ, उस लड़की ने भेजे होंगे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। सचमुच? और क्या, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। ओके ओके चलो। ओ गॉड, क्या हुआ? मेरा पैर, पैर में दर्द हो रहा है। पकड़ो 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 जल्दी। तुम सबको
ये चोट कैसे लगी? बाथरूम में गिर गए थे सब लोग। हम सब एक ही बाथरूम यूज करते हैं। सिल्ली बगस। ये ले। उसे ठीक से डराया? क्या मतलब ठीक से? इतने पैसों के लिए मैं अपने मरे हुए चाचा के भूत को भी डरा दूं? आई लाइक इट, टेक दिस। ये तो मैं रखूंगा। 100 दिन हो गए 100-100 का नोट देखे हुए। चलो रे पार्टी करते हैं, चलो। हाँ बोल। हमारे आदमियों ने उसे डरा दिया। अच्छा क्या बात है, चल फोन काट और यहाँ आ जा। इतनी दूर? आ जा यार, दारू पे चर्चा करते हैं। इतनी जल्दी कैसे आ गया? तूने दारू कहा ना? क्या बात है। चीयर्स। चीयर्स। यार गुंडों ने उसकी पुंगी बजा डाली। क्या कह रहा है? पता है, रो रही थी। मेरे पास भी गुड न्यूज है। क्या? हे, मेरी बॉस। बात कर। हेलो श्रावणी, बार में हूँ, फ्री हो तो आ जाओ, एक गुड न्यूज है। अरे आओ ना, बताता हूँ। ओके सुनो, मेरी बॉस आ रही है, उससे कहना उस लड़की को हमने डरा दिया, थोड़ा मसाला लगा देना। तू टेंशन मत ले, मसाला मैं लगाऊंगा। अच्छा, तेरी बॉस के साथ मामला सेट हुआ क्या? अरे 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 क्या शर्मा रहा है तू तो? ये यार क्या कर रही है? मैं क्या करूं, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हे भगवान, मम्मी। ए तू कांप क्यों रहा है? ठंड लग रही है क्या? ये ले पी ले, पी 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 ले। तो इसके बॉस और वो लड़की एक ही? अगर इसके बदले की आग में कार्तिक जल रहा है तो मेरा तो तंदूरी पक्का। बेबी, मैं तुम्हें इस नाम से क्यों बुला रहा हूँ? श्रावणी, एक बात बताऊँ? एक्चुअली तुम्हारी और उसकी आवाज एकदम सेम टू सेम है। तू समझ नहीं रहा है, दोनों एक ही है। श्रावणी ये पांडू, पांडू ये श्रावणी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। जानती हो आज इस पांडू ने इतना जबरदस्त काम किया है? मत बता यार। अबे बताने दे, इसे क्यों बुलाया? बताने के लिए ना। श्रावणी, इसने आज कुछ गुंडे भेजे और उस लड़की को डराया धमकाया, मजा आ गया। आज इसने उन गुंडों को भेजा उसकी धुलाई करने, पूरा निचोड़ दिया। अब चुप भी हो जाए यार। चुप क्यों हो जाओ, तूने इतना धांसू काम किया, तारीफ तो बनती है यार। तो गुंडे तुमने भेजे थे? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सब जानती हो। तो और कौन जानेगा अगर ये नहीं जानेगी तो? वैसे मुझे सुबह से उसका एक बार भी फोन नहीं आया है। और आएगा भी नहीं, इसने उसका नेटवर्क कट कर दिया है। मैंने तो वही किया जो तुमने बताया था। चुप कर, अब छुपा मत, गुंडों का प्लान तो तेरा ही था ना। और तुम जानती हो इसने उसको ऐसा मारा कि वो ढेर हो गई। अब ये कुछ भी मत बोल यार। मैं तो बोलूंगा, मेरे पांडू ने ऐसा धमाल काम किया, ढिंडोरा तो पीटना ही पड़ेगा। वो तो मैं बीच में चला गया था। अरे श्रावणी, जब वो गुंडे आए थे ना, तुझे नहीं पता ना, बीच में ना कुछ भाड़े के गुंडे आए थे, श्रावणी को पकड़ लिया, एक एक को जो मैंने धोया है इस तरह तोड़ दिया। अच्छा तो वो तू था जिसने उनको धोया? श्रावणी, मुझे उसको ना अभी फोन करना है और लाफिंग बुद्धा जैसा हंसना है, बड़ा मजा आएगा, है ना? ओके तुम फोन करो, मैं चलती हूं। तुम नहीं सुनोगी? मैं दूसरे फोन पर सुनूंगी। दूसरे फोन पे? ओ जोक। ए भाई, ए सच्चाई है कि बोलना। हाँ तो जाना। अच्छा तो इस तरफ नहीं, उस तरफ। अरे इस तरफ है ना। आज तो मेरा बैंड मुझे करे। हेलो। क्या हुआ बेबी, आवाज इतनी कांप क्यों रही है? जानती हो तुम क्यूट नहीं दुष्ट हो, तुमने मुझे गुंडों से पिटवाया और उन गुंडों ने मेरे गोरे गोरे मुखड़े को काला काला बना दिया। वो तो बस तुम्हें धमकाने आए थे। धमकाने नहीं, मारो जान लेवा आवियो तो। कसम से मेरा रोम रोम मोम की तरह पिघल गया। मेरी एक आंख भी फोड़ दी उन दरिंदों ने, जानते हो। पांडू तू तो गया काम से, तेरी तो। क्या किया तूने? उसकी आंख फोड़ दी, उसकी कमर तोड़ दी। क्या कहा था? नो टचिंग कहा था ना मैंने, नो टचिंग। फिर भी हरकत की तूने, मेरी बेबी को परेशान किया, उसे हाथ लगाया, तेरी तो। अरे मैंने कहा था नहीं बताऊंगा, 4 दिन तक पूरी लाइफ ही दूर रहूंगा। मेरी बीवी ठीक है मेरे लिए।
देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। कार्तिक को तुमने सच बताया ना? नहीं बताऊंगा। 4 दिनों तक तुम कार्तिक से दूर ही रहना। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म दूर रहूंगा। जाओ। नहीं बताऊंगा। इसे ज्यादा दिनों तक कार्तिक से दूर नहीं रख सकती। अब गेम को जल्दी खत्म करना होगा। Come in. Good morning, sir. आपको डिस्टर्ब ना करने के लिए मैडम ने कहा था। आपके लिए कंपनी की कार छोड़ के गई हैं। Okay. स्विच्ड ऑफ क्यों आ रहा है? इसे क्या हुआ है? तो तुमने रात को मुझसे झूठ कहा? तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त को मारा। हे, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा प्यार। What? That's impossible. Life में मुझे इतनी अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती, और अब मुझे उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। मैं अभी जाकर श्रावणी को प्रपोज करूंगा। तुम जो कर सकती हो ना कर लो। मैं जा रहा हूं। गुड बाय। मैंने भी इसी पल का इंतजार है। अब मैं भी तुम्हें उसी दर्द का एहसास करवाऊंगी जो तुमने मुझे दिया है, जिसे मैंने हर पल हर घड़ी महसूस किया। हेलो। हाय श्रावणी, कहाँ हो? ऑफिस गेस्ट हाउस। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, 10 मिनट में आकर मिलता हूँ। ओ, की गले कार्तिक। मैं आज तुमसे सच कहना चाहता हूँ। हम अपने क्लोज फ्रेंड से भी सब फीलिंग्स शेयर नहीं करते, छुपा लेते हैं। पर कुछ फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उन्हें छुपा नहीं सकते। इसीलिए तुमसे मिलने आया। हर इंसान को एक लाइफ पार्टनर चाहिए। एक्चुअली ये पहले से डिसाइडेड होता है, बस हमें पता नहीं होता। सोलमेट सामने भी हो तो उसे पहचान नहीं पाते हैं, पहचान लिया तो उससे बात नहीं करते। आज यही सिचुएशन मेरी है और मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। श्रावणी, बचपन से ही मैं वो चीज़ें पा लेता था जो मुझे पसंद थी, जो मुझे चाहिए होती थी। कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो इसलिए क्योंकि मैंने उसे नहीं पसंद किया। पर जब से तुमसे मिला हूँ लगता है जैसे मुझे मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। आखिर क्यों मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें बता क्यों नहीं देता? बोलो कार्तिक, बोलो। आई लव यू। तुमसे सच कहूं तो यहां आने से पहले ये कहने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पर मेरी लाइफ का पहला प्यार मेरी आंखों के सामने खड़ा था। जिसने मुझे रिजेक्ट किया मेरे सामने थी, श्रुति। अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, अनएक्सपेक्टेड जगह पर, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड लड़की। जो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, सेम वही प्यार मैंने श्रुति की आंखों में देखा। समझ नहीं पाया, क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है मेरे लिए दोनों में एक ही फीलिंग, या फिर मैं गलत जज कर रहा हूं? हां श्रावणी, मैं ही गलत जज कर रहा हूं। एक्चुअली तुम में और श्रुति में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही कोई प्यार है। नहीं कार्तिक, मैं तुम्हारा प्यार समझ गई हूं। आई लव यू टू। श्रुति, ये क्या कह रही हो? अरे जो तू चाहता था वही तो कह रही है। इसके लिए तो तूने दोस्ती भी तोड़ दी, पर तेरा प्यार सच्चा है। और मैं क्या बन गया? बेगानी शादी में मधु दीवाना। चल मेरी छोड़, तू तो हीरो बन गया ना। कांग्रेट्स। चुबे, ये तेरा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाई इसीलिए कह रही है। नहीं कार्तिक, यकीन करो मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। इससे नाराज हो इसीलिए कह रही हो? श्रुति, ये पागल जरूर है पर तुमसे बहुत प्यार करता है।
नहीं कार्तिक, कोई पागल मेरे पीछे पड़ा हो उससे अच्छा है कि मैं किसी के प्यार में पागल हो जाऊं। यार पता नहीं इसे मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती। मधु, एक दोस्त के नाते मैं तुझसे कह रहा हूँ, मुझ पर गुस्सा छोड़ और इसका ख्याल रख। आई डोंट लव हिम कार्तिक, आई लव यू। अचानक प्यार कैसे हो गया? मुझे रियलाइज हो गया। कैसे? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। अब नहीं करता। आखिर इसने तुम्हारे ही आइडिया से मुझे इम्प्रेस किया था ना। ये तो मैंने ही बताया था, तुम्हारा रियलाइजेशन कहाँ है? अगर मैं तुम्हारे आइडिया से इम्प्रेस हुई थी तो मुझे तुमसे प्यार हुआ था ना। एग्जैक्टली, और जब मैंने तुमसे ये कहा था तुम्हें तब प्यार क्यों मुझे रियलाइज नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ? रियलाइज होता तो समझ जाती। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती थी कार्तिक। जानती नहीं थी? प्यार में फीलिंग्स और इमोशन जरूरी होते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी के चेहरे से या उसके पर्सनालिटी से प्यार करो। यही तुम्हारा प्यार है? शक्ल देखने के बाद मुझसे प्यार हुआ? ना तो मुझे देखोगे ना नाम पता करोगे जब तक मैं ना चाहूं। तो मुझे भूल गए? मैं तुम्हारी दोस्त हमेशा रहूंगी। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। मैं तुमसे 3 magical words कहूंगी 3 दिन बाद। जिस बात के लिए मैं श्रुति पर चिल्ला रहा था वही चीज मैंने अपनी बेबी के साथ की थी। भले ही इसने मेरे आइडिया से इंप्रेस किया पर तुमसे सच्चा प्यार मधु ही करता है। श्रुति, मेरे लिए तुम सिर्फ अट्रैक्शन थी बट मधु रियली लव्स यू। इसे माफ कर दो। श्रुति, सॉरी श्रुति, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ। श्रुति के लिए दिल में बस अट्रैक्शन था, इस बात का एहसास भी श्रुति ने ही कराया। प्यार और शादी तब सक्सेसफुल होती है जब अच्छा जीवन साथी मिले। मैंने क्या किया? ना उसे देखा ना उसे जाना, एक फालतू वजह से उसे छोड़ दिया जिससे इमोशनली कनेक्टेड था। मैंने उसे धोखा दिया। पहले मुझे श्रुति पसंद आई पर उसे छोड़ा तो दिल तुम पर आ गया। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो पर तुमसे प्यार नहीं है। तुम्हें देखा तो चाहने लगा, कोई भी चाहेगा, पर जो रिश्ता मेरी बेबी के साथ है वो किसी और के साथ कभी नहीं हो सकता। बेचारी, उसका दिल दुखाया है। चाहे जो भी हो जाए, वो डांटेगी सुन लूंगा, वो पीटेगी पिट लूंगा सह लूंगा, उसे पाने के लिए उसके पैरों में गिरूंगा, वो जो कहेगी सब करूंगा, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे मेरी बेबी चाहिए। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लग रहा होगा पर जिंदगी भर रोने से अच्छा है अभी रो लो। अगर हमारी शादी भी हुई तो हम खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि मैं बेबी के बिना खुश नहीं रह सकता। उससे मिले बिना वो हर जगह मेरे साथ है, मेरे दिमाग में, मेरी हर चीज में। देखो, तुम्हें प्रपोज करने के लिए भी मैंने उसकी पसंद की शर्ट पहनी हुई है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आई एम सॉरी श्रावणी। Baby, I'm sorry. Hey, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी ऊपर है। सॉरी। तुम यहाँ कैसे? बस यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कार्तिक, ना तो तुम मुझे तब पहचान पाए और ना अब पहचान पा रहे हो। मैं तो तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करने का बस वेट ही कर रही थी,
पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और यही बात मुझे पसंद आई। तुम प्यार में मुझसे जीत गए कार्तिक, और तुमने अपनी बेबी को भी जीत लिया है। तुम अपनी पसंद की लड़की को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, और मैं ऐसा इंसान चाहती थी जिसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता हो, जिसने पहले कभी मेरी शक्ल भी ना देखी हो। मैंने ऐसे ही परफेक्ट इंसान की तलाश थी, और तुम वही हो कार्तिक। तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। मेरे नाल ब्याह करोगी? नहीं बेबी, ये ठीक नहीं है। अब ठीक है, प्लीज प्लीज। तुमने चीटिंग करके मुझे फेसबुक पर देख लिया था ना? हाँ? तुमने भी तो झूठ कहा था कि तुमने मुझे देख लिया है। अरे मैंने सच में नहीं देखा था। देख लिया था, बस मेरा दिल नहीं देखा था। बेबी तुमसे एक बात कहूँ? तुम बुरा मान जाओगी। सुब अच्छे हाइट में छोटे लोग बहुत चालाक होते हैं। अरे सच में गूगल पर पढ़ा था, सच कह रहा हूँ।